कौन कौन न्यूज़पेपर लेकर आया है? वेरी गुड. आज का या कल का? आज का. ओके. आज का तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, हम कल का भी पढ़ेंगे. आज का हम ऐसे पढ़ेंगे जैसे हमने कुछ पढ़ा ही नहीं था, मतलब जैसे वो मैंने भी नहीं पढ़ा है. हम यहीं पर ही पढ़ेंगे कि उसको कैसे टैकल करेंगे. जो कल का न्यूज़पेपर है उससे हम स्टार्ट करेंगे, ये देखने के लिए हाउ द न्यूज़पेपर मेंटेन्स कंटिन्यूटी एंड विच न्यूज़पेपर यू पीपल आर रीडिंग. द हिंदू. हु टोल्ड यू टू रीड दैट? सीनियर्स एंड एवरीबडी एल्स. ओके. सो यस, हिंदू इज द न्यूज़पेपर विच इज मोस्ट कॉमनली रेड फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन अलॉन्ग विद अनदर न्यू कंटेंडर इंडियन एक्सप्रेस. आजकल यही दोनों ज्यादा चल रहे हैं, है ना, हिंदू और उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस. लेकिन जब आप 2023 का न्यूज मतलब क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो प्रीलिम्स में आया है, उसमें कई सारे टॉपिक्स कई दूसरे दूसरे न्यूज़पेपर से भी आए हैं. किसी ने मिंट से उठाया है कुछ पोर्शन, किसी दूसरे न्यूज़पेपर से उठाया है. यानी कि दो तरीके करंट अफेयर्स को कवर करने के. पहला, हम सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर्स पे रिलाई करें. दूसरा, कि हम न्यूज़पेपर्स के साथ साथ करंट अफेयर्स मैगजीन्स, करंट अफेयर्स नोट्स, इन सब पे भी रिलाई करें. इट्स लाइक यू हैव टू डू बोथ. एक चीज करने से फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर हमने अपना बेसिक न्यूज़पेपर से नहीं बनाया तो हम लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती इश्यूज की. सीधा नोट्स पढ़ने लगेंगे ना अभी स्टार्टिंग में ही, तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती कि कैसे दुनिया में देश में चीजें चल रही हैं, है ना, हाउ थिंग्स आर वर्किंग. और अगर सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी ऑफ एनालिसिस डेवलप नहीं होती. तो इसीलिए शुरुआत न्यूज़पेपर से करेंगे. जब हमारे बेसिक्स बन जाएंगे तब हम नोट्स को ज्यादा बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर पाते हैं. इसीलिए कभी आपने सुना होगा जो दो तीन चार अटेम्प्ट वाले बच्चे होते हैं ना, वो अक्सर आपने टॉपर से सुन लिया होगा कि यार हमने तो न्यूज़पेपर पढ़ा ही नहीं, है ना, हम तो सीधा करंट अफेयर्स की मैगजीन्स पढ़ लेते थे या कुछ करंट अफेयर्स के वीडियोस देख लेते थे, उससे हमारा काम हो जाता. हो जाता है, लेकिन कब, कौन से अटेम्प्ट में? सेकेंड, थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट में, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं चलती है स्ट्रेटेजी. फर्स्ट अटेम्प्ट है तो मतलब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग न्यूज़पेपर से बनानी जरूरी है. एंड हाउ मच टाइम शुड वी डिवोट? हाउ मच? कितना टाइम लगना चाहिए? 4 घंटे ये आवर्स है, हाँ, हाफ एन आवर, 1 घंटा. अभी कितना लगता है? दो घंटे आप अगर न्यूज़पेपर में लगा रहे हैं एंड इफ यू हैव जस्ट स्टार्टेड, इट्स ओके. 2 घंटे लगने चाहिए. और क्यों लगने चाहिए? क्योंकि अभी हम स्टार्टिंग में इश्यूज को एनालाइज कर रहे हैं, इश्यूज को समझने की कोशिश कर रहे हैं. When you have just started reading newspaper, 2 hours is a good time. 4 घंटे नहीं लगने चाहिए, 3 घंटे भी, जब तक बहुत ही इंटेंसिव न्यूज़पेपर नहीं आ गया है, मतलब सिर्फ ऐसी खबरें जो आपने आज तक पढ़ी नहीं है, तब आपको 3 घंटे लग सकते हैं शुरुआत में. किसी किसी को 4 भी लग सकते हैं. जैसे कल आज एक्साइटेड हो गए, तुम लोग कल जाओगे न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, तो 4 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि आपको चीजें पता नहीं है. लेकिन अभी हम देखेंगे कि कैसे न्यूज़पेपर्स में कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है. और अगर आप एक दिन का न्यूज़पेपर पढ़ लेते हो तो अगले दिन का न्यूज़पेपर पढ़ना आसान हो जाता है. इसीलिए मैं संडे का लेकर आई हूँ, ताकि ऐसा हो ना कि हम समझे कि संडे को भी वही न्यूज़ आई थी और फिर मंडे को भी वही आई है क्या, उसमें बस 2-4 चीज़ें ऐड हुई हैं, तो यानी हम दोबारा पढ़ेंगे क्या उसको? हम सिर्फ उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं बस वो देखेंगे. और अगले दिन यानी कल भी देखना वही आएगा, उसके अगले दिन भी, जब तक 10-15 दिन तक वो न्यूज चलती रहेगी, हम उसको हर बार नहीं पढ़ेंगे. या तो पहली बार पढ़ेंगे, और नहीं तो हमें पता है कि लंबा चलने वाला है तो लास्ट में पढ़ेंगे. हम ऐसी किसी खबर पे ध्यान नहीं देंगे जो हमारे यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है.
अभी हमारा टारगेट बहुत अवेयरनेस या ट्रेन में बैठ के डिस्कशन करना है क्या? चाय पे चुस्की लेते हुए डिस्कशन करना है क्या? दैट्स नॉट आवर टारगेट। पापा भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मम्मी भी न्यूज़पेपर पढ़ती हैं। कैसे मतलब उनके पढ़ने में और हमारे पढ़ने में क्या अंतर है? दे आर रीडिंग फॉर अवेयरनेस। उनको है कि देश में चल क्या रहा है बस पता कर लें, और किसी से बात हो तो हम भी दो चार लाइनें बोल दें बस, है ना? उनका ऑब्जेक्टिव उतना है। हाँ, उड़ीसा में ट्रेन हादसा हो गया, बहुत लोग मर गए। अच्छा, कैसे हुआ? ऐसे हुआ, उसमें इसकी गलती निकली उसकी। उनका ऑब्जेक्टिव है ये, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमें लिखने हैं आंसर्स और हमें करने हैं पीटी के एमसीक्यू क्वेश्चंस। इसके साथ साथ जब हम पढ़ेंगे तो ऑफकोर्स अवेयरनेस तो आएगी ही आएगी, लेकिन हमें जिस तरीके से न्यूज़पेपर पढ़ना है दैट इज नॉट द सेम एज अदर पीपल ऑफ फैमिली रीडिंग न्यूज़पेपर। फॉर यू इट इज अ करिकुलम, आपका सिलेबस टाइप से सिलेबस की तरह पढ़ना है, और ऐसे हवा में चलते चलते नहीं पढ़ना है। कॉपी पेन लैपटॉप या फोन जो भी है आपके पास टूल्स, वो लेके बैठना है और फिर पढ़ना है। चाय पीते पीते कभी कभी देख सकते हो, ऐसा नहीं हाथ ही नहीं लगाना, कभी कभी देख सकते हो, लेकिन पढ़ना हम न्यूज़पेपर को तब कहेंगे जब हम उससे वो टॉपिक्स, वो एरियाज, वो इंफॉर्मेशन निकाल सकें जो हमारे एग्जामिनेशन में यूज आती है। क्योंकि अगर हमने वो इंफॉर्मेशन नहीं निकाली जो हमारे एग्जामिनेशन में यूज आती है, तो हमारा न्यूज़पेपर पढ़ना किसी काम का नहीं। अब सम पीपल आर लाइक, शुड वी मेक नोट्स? हाउ मेनी ऑफ यू आर मेकिंग नोट्स ऑफ न्यूज़पेपर्स? नहीं बना रहे? अच्छा, जो बना रहे हैं उनको कितना टाइम लग रहा है नोट्स में कन्वर्ट? कहाँ बना रहे हो? पेपर पेन पे बना रहे हो या लैपटॉप पे बना रहे हो? अब देखो, दो तीन तरीके हैं हमें जिनसे हम नोट्स बना सकते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर के नोट्स बनाना ही चाहते हो तो, है ना, एक तरीका होता है, बल्कि तीन चार तरीके हम डिस्कस कर लेते हैं। यू कैन चूज व्हाटएवर सूट्स यू। एक तरीका होता है कि हमने कॉपी ली और हमने उसके अंदर सेक्शंस डिवाइड कर दिए कि गवर्नेंस से रिलेटेड कोई भी अगर न्यूज होगी तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई न्यूज होगी तो यहाँ लिखेंगे, बैंक से रिलेटेड होगी तो यहाँ लिखेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड होगी तो यहाँ लिखेंगे। हमने सिलेबस देखा था, सिलेबस के हर टॉपिक से एक टॉपिक बनता है, सब्जेक्ट बनता है, वो सब यहाँ पर आएंगे और इनसे रिलेटेड न्यूज जो होगी हम वहां पे लिखेंगे। क्योंकि डिजास्टर हुआ, अब विप्रजॉय आया, साइक्लोन, उसके अलावा और भी बहुत सारे हुए होंगे, तो हम लोगों को वो कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करनी। आंसर में ये थोड़े ना आएगा कि विप्रजॉय के बारे में लिखो, वो क्या कहेंगे? साइक्लोन। साइक्लोन में आपको एग्जाम्पल देना है विप्रजॉय का, लेकिन सिर्फ विप्रजॉय का एग्जाम्पल देने से चल जाएगा क्या काम? क्या आप उड़ीसा की केस स्टडी भी डिस्कस करोगे वहां पे? क्योंकि उड़ीसा में भी साइक्लोन्स आते रहते हैं, वो लोग कितने अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, तो उनकी केस स्टडी भी हम लोग थोड़ी सी बताएंगे। लेकिन वो केस स्टडी तो अभी आई नहीं थी न्यूज में, वो कहाँ से आई? वो स्टैटिक से आई। समझ में आ रहा है? स्टैटिक नॉलेज, करंट नॉलेज, दोनों को यूटिलाइज करके हमें अपने आंसर्स में लिखना है। सिमिलरली, सपोजिडली कोई चेंज हुआ रेपो रेट में या किसी भी इकोनॉमिक हमारे जो इंडिकेटर्स हैं उसमें से किसी में चेंज हुआ। अब स्टेटमेंट एमसीक्यू के अंदर स्टैटिक से भी आ सकती है, करंट से भी आ सकती है, और करंट को पढ़ने के लिए स्टैटिक की नॉलेज होना जरूरी है, और स्टैटिक तब काम करे जब हम उसे करंट से जोड़ पाए। तो यानी दोनों को इंटीग्रेट करना बहुत जरूरी है। और जब हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, अभी आप लोगों ने सब, आई थिंक आर न्यूबीज, सबका पहला ही अटेम्प्ट है ना, तो जब हम नए नए होते हैं तब हमें स्टैटिक पता नहीं होता, और हर कोई आके कह देता है कि न्यूज़पेपर पढ़ लो, है ना, हिंदू पढ़ो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो। लेकिन जब आपको स्टैटिक नहीं पता तो आप करंट अफेयर्स से रिलेट कर पाओगे?
ऐसा है कि मैंने आपको कहानी सुनाई नहीं और उससे रिलेटेड इंस्टांसेस बताने लगी। मैंने आपको कभी रामायण नहीं सुनाई, कभी या फिर महाभारत नहीं सुनाई, लेकिन मैंने आपको ये बताया कि देखो दुर्योधन ने ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया। अब मैंने कहानी तो बताई नहीं, कहाँ दुर्योधन, कहाँ क्या किया उसने। उन्होंने बताया कि गंधारी की आंखों में इतनी शक्ति थी, उसने पट्टी हटाई और दुर्योधन को बहुत बल दे दिया, लेकिन ये तो बताया ही नहीं कि उसने आंख पर पट्टी क्यों बांधी थी, कौन थी गंधारी। समझ में आ रहा है? तो जब हम बिना स्टैटिक पढ़े न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हमें सब कुछ अजीब अजीब डिफिकल्ट ऊपर ऊपर से लगता है, हमें समझ नहीं आती बातें। हम आर्टिकल पढ़ लेते हैं लेकिन हमें क्या लगता है, पता नहीं क्या बात चल रही है, समझ नहीं आ रहा कि ये कहाँ से क्या जोड़ रहे हैं। सो इन इनिशियल स्टेजेस इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीबडी टू रीड न्यूज़पेपर। लेकिन इससे न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ना नहीं है, इट्स फाइन। अपने आप को 2 से 2.5 महीने दो आप इस न्यूज़पेपर को पढ़ना समझना, और 2.5 महीने बाद पता है कैसे उठाओगे न्यूज़पेपर, अरे यार फिर से वही न्यूज़, चलो ये 4-5 चीजें देख लो, काम खत्म हो गया। जब आप थोड़े से मेच्योर होते जाओगे न्यूज़पेपर रीडिंग के अंदर, यू विल से कि एक न्यूज़पेपर क्या 3-4 ले आओ, मैं फटाफट फटाफट निपटा दूंगा या निपटा दूंगी। उस समय आपको समय नहीं लगेगा क्योंकि आपकी इंफॉर्मेशन बेस ऑलरेडी है, तो वो इंफॉर्मेशन बेस धीरे धीरे बनेगा। 2 महीने में भी बन सकता है, 5 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर कवरेज ऑफ स्टैटिक एज वेल एज योर इंटरलिंकेज विद स्टैटिक। और उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ने में मजा आता है। अभी न्यूज़पेपर बोझ है और उसे जैसे भी करना है करना पड़ेगा। शुरुआत, एक बार जब सब्जेक्ट्स की नॉलेज आपको पूरी हो गई स्टैटिक की और उसकी, फिर आपको लगेगा कि यार न्यूज़पेपर में तो बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। क्यों टाइम वेस्ट हो रहा है? क्योंकि इतने सारे पन्ने पलटे हो, देखो इसमें से कहाँ खबर है। इससे अच्छा कोई ना कोई हमारे लिए मेहनत कर ही रहा है, कोई ना कोई कंटेंट राइटर हमें नोट्स बना के दे रहा है, तो वो नोट्स पढ़ लो, एक्स इंस्टीट्यूट के पढ़ लो, वाई इंस्टीट्यूट के पढ़ लो, दो के पढ़ लो, कवर हो गया। लेकिन ये कब की स्टेज है? थोड़ा सा बात की। स्टार्टिंग के अंदर अपना बेस बनाएंगे, स्टैटिक से कवर करेंगे, और उसके बाद मन हो पढ़ना न्यूज़पेपर, नहीं मन हो। लेकिन मैं पर्सनली मानती हूं कि न्यूज़पेपर को एक बार घुमाना जरूर चाहिए, क्योंकि सपोजिटली क्यों पढ़ना चाहिए, मैं आपको ये बता रही हूँ। किसी भी अटेम्प्ट में, ये एक्स है और ये वाई है, ये एक्स ने अपने दिमाग से नोट्स बनाया और इस वाई ने अपने दिमाग से। आईएएस किसे बनना है? सिंपल क्वेश्चन, आईएएस किसे बनना है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी और इस कंटेंट डेवलपर की इंटेलिजेंस में किसकी इंटेलिजेंस ज्यादा है? समझ में आ रही है? ये भी एग्जाम ही दे रहा होगा बच्चा जरूर, जो भी कंटेंट लिख रहा है ना, कोई टीचर नहीं लिखता है जनरली, सब कंटेंट डेवलपर्स लिखते हैं सब जगह। अभी कंटेंट डेवलपर भी कहीं ना कहीं एग्जाम दे रहा होगा और इसके निकले नहीं होंगे 1-2 प्रीलिम्स या मेंस। तो क्या हम कंप्लीटली, कई कई लोग सच में बहुत अच्छे नोट्स बनाते हैं, एग्जाम निकले ना निकले इट्स फाइन, लेकिन ठीक है हमें कोशिश ये करनी है कि हम न्यूज़पेपर पे एक नजर जरूर मार लें, चाहे नोट्स ना बनाए, नोट्स उनके यूज कर लें उससे, क्योंकि न्यूज़पेपर से हमारी जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है वो हमारे आंसर्स में रिफ्लेक्ट करती है। और नॉट जस्ट आंसर्स, न्यूज इंटरव्यू, ऑल ऑफ यू पीपल कीप आस्किंग, सबको ना प्रीलिम्स मेंस से ज्यादा इंटरेस्ट किस स्टेज ऑफ एग्जाम में है? इंटरव्यू। सो यू पीपल कीप आस्किंग कि मैम इंटरव्यू के लिए क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। अरे न्यूज़पेपर पढ़ो, उससे बहुत अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। ठीक है, दिस इज इट। कितना टाइम देना चाहिए ये हमने देख लिया, उसके बाद कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए ये भी हमने स्टार्टिंग में देख लिया कि स्टार्टिंग में आप हिंदू से शुरू कर सकते हो, बहुत मुश्किल लग रहा है इंडियन एक्सप्रेस से शुरू कर सकते हो, और मुश्किल लग रहा है तो हम टाइम्स ऑफ इंडिया से भी शुरू कर सकते हैं। सारी खबरें लगभग सभी न्यूज़पेपर्स में कवर होती हैं,
ऐसा कोई न्यूज़पेपर नहीं है जो खबर छोड़ देगा, है ना? कोई भी इंपॉर्टेंट बहुत खबर होगी तो वो छोड़ देगा क्या कोई न्यूज़पेपर? थोड़ा सा वेरिएशन हो जाता है, लेकिन हाँ शुरुआत में चाहे एक न्यूज़पेपर से पढ़ेंगे, लेकिन जैसे जैसे हमारी स्पीड बढ़ती जाएगी, अगर हमने 15 मिनट में 20 मिनट में एक न्यूज़पेपर खरना खत्म करना स्टार्ट किया, तो हम 1 घंटे के अंदर 3-4 न्यूज़पेपर पढ़ के खत्म कर सकते हैं, क्योंकि पहले न्यूज़पेपर में टाइम लगेगा, बाकी सब में रिपीटेड न्यूज़ होगी, तो उसके अंदर से जो हमारा काम का होगा रखेंगे, बाकी हटा देंगे। ठीक है, ये हमारा कल का न्यूज़पेपर है, ठीक है, संडे का। इसमें एडिटोरियल्स नहीं होते, लेकिन हमारी क्लास मंडे को थी तो संडे का ही न्यूज़पेपर, मुझे लगा बहुत पुराना पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। अब हम इसके अंदर कैसे पढ़ेंगे, दिस इज द फर्स्ट न्यूज़। अभी आप लोगों को कोई नॉलेज नहीं है, ये मैं मान के चल रही हूँ, है ना? यू आर नॉट हैविंग एनी ओरिएंटेशन और बैकग्राउंड ऑफ न्यूज़पेपर। पहली खबर है द बंगाल एसईसी मूव्स सुप्रीम कोर्ट, ऐसी मतलब सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट ऑर्डर्स टू यूज सेंट्रल फोर्सेस। सिर्फ हेडिंग पढ़ के आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस जर्मिनेट होने चाहिए या क्वेश्चंस आने चाहिए। ये एसईसी क्या है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन से क्या समझ में आता है? कोई ऐसी स्टेट की एजेंसी है जो इलेक्शंस करवाती है, कुछ स्टेट इलेक्शन कमीशन टाइप की कोई चीज है। तो जैसे ही हमने हमने पता किया कि भाई स्टेट इलेक्शन कमीशन कुछ होता है, तो हमारे दिमाग में आना चाहिए क्या नेशनल इलेक्शन कमीशन भी कुछ होता है या सेंट्रल इलेक्शन कमीशन भी कुछ होता है? आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, है ना? ठीक है, अब ये अब जो हमारा ये स्टेट इलेक्शन कमीशन है, ये करता क्या है? नेक्स्ट इज, अरे भाई ये क्या खुल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ये करता क्या है, कुछ तो काम होगा। किसके इलेक्शंस करवाता है? स्टेट के करवाता है या पंचायत के करवाता है? डाउट भाई, स्टेट इलेक्शन कमीशन इसका नाम है, ऐसा लग रहा है जैसे स्टेट के करवाता है, लेकिन स्टेट के तो नेशन करवाएगा ना, मतलब सेंट्रल करवाएगी ना गवर्नमेंट, तो ये किसके करवाता होगा? लोकल बॉडीज के, जैसे कि पंचायत, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। अभी हम कयास लगा रहे हैं, अभी हमने पढ़ा नहीं है, है ना? हम सब कयास लगा रहे हैं, लेकिन हमारा दिमाग चलना चाहिए, इसका इंजन रन करना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या हो गया, बंगाल के अंदर स्टेट इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को मूव किया कि भाई आपने, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सब पॉलिटिकल है, हम उसको कैसे रीड करेंगे? वर्टिकली, बहुत तेजी से, क्योंकि तो उसके अंदर हमारे काम की बात निकलेगी नहीं है। हमें शुरुआत में सब कुछ पढ़ोगे क्योंकि सब कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये विजडम डेवलप होगी कि जो भी पॉलिटिकल न्यूज है वो हमारे काम की नहीं है, बिकॉज ब्यूरोक्रेट्स आर ए पॉलिटिकल। एक्स पार्टी की गवर्नमेंट आए, वाई पार्टी की गवर्नमेंट आए, जेड पार्टी की गवर्नमेंट आए, ब्यूरोक्रेट्स चेंज नहीं होते, ब्यूरोक्रेट्स हमेशा सेम रहते हैं, और उन्हें किसी की भी बनाई हुई पॉलिसीज को वैसे ही शिद्दत से इंप्लीमेंट करना होता है। इसीलिए पॉलिटिकल न्यूज करंटली हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं। क्या लड़ाई चल रही है, क्यों बंगाल ने ऐसा किया, नॉट इम्पोर्टेंट। स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा, जैसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, क्या आ सकता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी और अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई बॉडी है या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा? स्टैटिक में जब पॉलिटी पढ़ेंगे, अभी हमने पॉलिटी नहीं पढ़ी, लेकिन हम सर्च कर सकते हैं, बगल में फोन है हमारे पास, इतनी रैंडम चीजें सर्च करते हो, तो न्यूज़पेपर के समय पे हम तुरंत सर्च कर सकते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन, और हम ये भी सर्च कर सकते हैं कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की एलिजिबिलिटी क्या होती है। कौन लगता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, कौन लगाता है? आर्टिकल के किस कॉन्स्टिट्यू किस आर्टिकल से ये कवर होता है? आर्टिकल 243। और पंचायत और म्युनिसिपैलिटी का एक होता है क्या आर्टिकल, या अलग अलग होते हैं? अभी स्टैटिक नहीं पढ़ा है इसीलिए ये सब बड़ा अलग अलग लग रहा है, बड़ा भारी भारी लग रहा होगा कि पता नहीं कौन सी बातें बोल रही है मैम, लेकिन जैसे जैसे हम स्टैटिक कवर करते जाएंगे करंट बेहतर समझ होता जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आने चाहिए।
क्योंकि कोई सा भी क्वेश्चन है कहीं ना कहीं से तो बन रहा है ना, चाहे वो मेंस है चाहे प्रीलिम्स है। ओके, इसके बाद उन्होंने बताया कि भाई सेंट्रल फोर्सेस, तो बेसिकली हुआ यूं कि भाई ममता बनर्जी की जो ये सरकार थी वेस्ट बंगाल की, इन्होंने स्टेट इलेक्शन कमीशन कमीशन से पंचायत के इलेक्शंस वगैरह घोषित करवाए, बहुत सारे लोग वायलेंस में मारे गए। इसकी खबर लेने के लिए सेंटर ने बोला कि भाई हम यहाँ पर अपने सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय कर देंगे देखने के लिए कि भाई वायलेंस ना हो। लेकिन स्टेट के अंदर अगर सेंट्रल फोर्सेस आएंगी तो स्टेट की ऑटोनॉमी थोड़ी सी डिक्रीज होगी, ऐसे समझो ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हो, है ना, तुमने अपने बच्चे को थप्पड़ मार दिया या जो भी करा, तुरंत दादाजी आए, कहते नहीं 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 ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं यहीं पे बैठूंगा देखने के लिए, तो तुम्हारी ऑटोनॉमी थोड़ी कम हो गई, तुम चाहोगे क्या बैठे? सेम, वो भी नहीं चाह रहे के बैठे। तो अब सेकेंड क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ये सेंट्रल फोर्सेस क्या है, सेंट्रल फोर्सेस कौन सी है भाई? पुलिस तो स्टेट के अंदर होती है, पुलिस तो स्टेट के अंदर होती है ना, तो फिर ये सेंट्रल फोर्सेस कौन सी होती है? सिर्फ बीएसएफ, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ? गूगल चल जाएगा, चलाना। देखो मछली पकड़ के तो कोई भी दे देगा, हम मछली पकड़ना सिखा रही हूं मैं तुम्हें, है ना, मछली तो मिल ही जाएगी, मछली इन द सेंस के जो करंट अफेयर्स के नोट्स हैं वो तो मिल ही जाएंगे तुम्हें कहीं से भी, है ना। सब ये भी बोल देंगे कि न्यूज़पेपर की वीडियो देख लो एनालिसिस की, फाइन, लेकिन जब तक अपना दिमाग नहीं चलाओगे तब तक वो डेप्थ नहीं आएगी नॉलेज में। हो गया, अब हम अगर सर्च करें, अरे कितनी है सेंट्रल फोर्सेस? असम राइफल्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसजी एंड एसएसपी, कितनी है? किस मिनिस्ट्री के अंदर आ रही है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। चलो विकिपीडिया लिंक भी खोल के देख लेते हैं। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज इज अ कलेक्टिव नेम ऑफ सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। दीज आर टेक्निकली पैरा मिलिट्री फोर्सेज। कौन सी फोर्सेज भी हैं ये? पैरा मिलिट्री, मिलिट्री नहीं है, पैरा मिलिट्री, नोन एज। उसके बाद किस लिए यूज होती है? रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल सिक्योरिटी एंड गार्डिंग द बॉर्डर्स। फर्दर क्लासिफाइड इंटू थ्री टाइप्स। फर्स्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस, ऐसी फोर्सेस जो हमारे बॉर्डर्स को गार्ड करती हैं, वो भी सेंट्रल फोर्सेस है, जैसे बीएसएफ, असम राइफल्स, आईटीबीपी एंड सशस्त्र सीमा बल। दूसरी कौन सी है? इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, देश के अंदर कुछ वॉयलेंस हो रही है, कुछ हो रहा है उसको रोकने के लिए, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ। एंड वन इज स्पेशल टास्क फोर्स, एनएसजी। अब इतनी इंफॉर्मेशन में हम लोगों को, मुझे लगता है 5 से 10 सेकंड, 15 सेकंड, 1 मिनट, लेकिन हमें यह पता चल गया कि सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस होती क्या। अब इसी से मैं प्रीलिम्स का क्वेश्चन बना दूं, बना दूं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग
आर पार्ट ऑफ सेंट्रल फोर्सेस ऑफ इंडिया? ऑप्शन वन बीएसएफ, ऑप्शन टू आईटीबीपी, ऑप्शन थ्री पुलिस, ऑप्शन फोर मिलिट्री। कौन सी हैं? और उसके बाद ऑप्शन मैंने बनाया, ओनली स्टेटमेंट नहीं, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली टू स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली थ्री स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है ना, आउट ऑफ सिलेबस, न्यूज़पेपर में तो था ही नहीं है। हाँ, ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, लेकिन आपको ये तब पता होगा ना जब आपने ये पता हो आपको कि भाई सेंट्रल फोर्सेस हमारी, सिर्फ ये जान लेना न्यूज़पेपर से कि भाई कुछ सेंट्रल फोर्सेस ने बंगाल में पता नहीं क्या किया हमें सेंट्रल, क्योंकि देखो तुम लोग बनने जा रहे हो ऑफिसर्स तो तुम्हें ये अंदाजा होना चाहिए कि एग्जैक्टली सेंट्रल फोर्सेस का मतलब क्या है, कौन कौन सी फोर्सेस है इसमें। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखो, एक ही इंफॉर्मेशन पढ़ी है अभी हमने, अब तो न्यूज़पेपर पढ़ा भी नहीं है अभी तो, है ना, अभी इसी इंफॉर्मेशन से दूसरा प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल फोर्सेस आर एंगेज्ड इन बॉर्डर सिक्योरिटी? नंबर वन आईटीबीपी, नंबर टू एसएसबी, नंबर थ्री कौन सा बताओ रखें, एनएसजी, नंबर फोर सीआरपीएफ। ए एंड बी, सिंपल, एक इंफॉर्मेशन इसी से तीन चार और बना सकती हूँ, बना सकती हूँ नहीं बता सकती हूँ। विच ऑफ द फोर्सेस इज नॉट एंगेज्ड इन इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंगेज्ड इन इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया? एसएसबी, आईटीबीपी, सारे लिख लो ना ये, असम राइफल्स, बीएसएफ, ऑल ऑफ देम, कोई भी एंगेज्ड नहीं है इंटरनल सिक्योरिटी से। इंटरनल सिक्योरिटी से कौन सी एंगेज्ड है? सिंपल। अच्छा, इससे मेंस का क्वेश्चन बन सकता है क्या? बन सकता है क्या मेंस का क्वेश्चन? इंटरनल सिक्योरिटी हमारा मेंस का टॉपिक है ना, सपोजिडली क्वेश्चन आता है, इंडिया faces numerous internal security challenges, therefore they must take help of certain central forces, do you think we must empower them more? Question बन गया। अब बात ये internal security की बात हो रही है, central forces की भी बात हो रही है। तुमने answer में लिखा central forces are very important for internal security, to face internal security challenges। दूसरे बच्चे ने लिखा, मतलब एक और सिलेक्शन जिसका होना है हमारे, उसने क्या लिखा है, फॉर इंटरनल सिक्योरिटी सीआरपीएफ एंड सीआईएसएफ आर द एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल सिक्योरिटी एंड डेफिनेटली देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एम्पावरिंग देम। किसको मार्क्स मिलने चाहिए ज्यादा? सिंपल, ठीक है, आगे बढ़े। अगला हमारा टॉपिक है, क्या लिख रहे हैं बच्चे ऑनलाइन, हेयर इट माई प्लेस वी गेट दैनिक जागरण, टेलीग्राफ एंड बंगाली न्यूज़पेपर। इट्स ओके टू रीड वट एवर इज अवेलेबल टू यू एंड डेफिनेटली यू कैन सब्सक्राइब टू दी ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स। आजकल तो ऑनलाइन मिल जाते हैं सारे न्यूज़पेपर्स, उसका सब्सक्रिप्शन ले लो, अपने लैपटॉप टैबलेट फोन जिस पे पढ़ना आप पढ़ सकते हैं। नो स्लाइड चेंज फॉर ऑनलाइन, ऑनलाइन में नहीं गया क्या गूगल वाला? अच्छा चलो छोड़ो, रहने दो रहने दो। हाँ ओके फाइन,
पहली न्यूज कवर्ड। अभी हमें टाइम इसलिए लगा क्योंकि हम लोगों को, मेरे को आपको सिखाना है, लेकिन जब आप खुद ही एक्टिविटी करोगे तब इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सेकेंड, डिजिटल आई डेटर्स प्रॉक्सी अटेंडेंस मॉनिटरिंग ऐप इंट्रोड्यूस्ड एज पायलट प्रोजेक्ट इन ईस्ट जयंतिया हिल डिस्ट्रिक्ट इन मेघालय। पहली इंफॉर्मेशन है, ईस्ट जयंतिया हिल्स कहां पर है? मेघालय में है। तो अगर मेघालय कभी पढ़ा है तो हमें पता है वहां पे तीन टाइप की हिल्स हैं, गारो, खांसी, जयंतिया। तो क्या एक बार जाके मैप देख लेना चाहिए, गूगल पे जाके मैप देख लें? मतलब हमें यहाँ पे थोड़ा ज्यादा टफ पड़ता है इधर उधर करना, लेकिन तभी की तभी फोन पे सर्च किया तो हम उनकी लोकेशन भी फटाफट से याद कर सकते हैं कि भाई पहले नॉर्थ टू ईस्ट, ये ना वो ईस्ट टू वेस्ट कैसे अरेंज्ड है, वो याद हो गया एक बार में। तो उसके बाद मैप का क्वेश्चन गलत होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। अब इन्होंने बोला, अब इसमें कहानी क्या है ना, मैं आपको बता देती हूँ, आप न्यूज़पेपर जाके पढ़ लेना। हुआ यूं कि जो मेघालय का ये डिस्ट्रिक्ट था वहां पे टीचर्स आते नहीं थे, और टीचर्स ने कई जगह, जैसे गवर्नमेंट टीचर्स क्यों बदनाम है कि वो अपनी जगह पे किसी प्रॉक्सी टीचर को भेज देते हैं, खुद सैलरी लेते हैं, जॉब लेते हैं, लेकिन उसके बाद किसी और को अपने जगह पर काम करने के लिए बहुत सस्ते से पैसे दे के भेज देते हैं कि तुम जाओ और पढ़ा दो। अब अगर अच्छी क्वालिटी का टीचर नहीं होगा तो बच्चे पढ़ने भी नहीं आएंगे, तो वहां पे बच्चे धीरे धीरे कम हो गए अटेंडेंस के लिए, धीरे धीरे बच्चों ने आना कर दिया बंद, स्कूल में कम कर दिया, बहुत कम कर दिया। तो अब गवर्नमेंट का काम क्या है, तुम्हारा एज ए ब्यूरोक्रेट काम क्या है? गवर्नेंस को इम्प्रूव करना। तो उन्होंने कहा क्यों ना हम डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम लगा देंगे, बट टीचर है ना फोटो खींच के भेजेगी क्लास से। अब टीचर को अगर क्लास से फोटो खींच के भेजनी है तो उसे क्लास जाना पड़ेगा, किसी और की फोटो भेज दी तो सैलरी नहीं मिलेगी। तो गए टीचर, तो वहां पे जब ये रिपोर्टर गया उसने देखा कि अरे भाई ये तो टीचर्स कभी देखे ही नहीं, पता नहीं कौन पढ़ा रहा था अभी तक, तो ये असली टीचर है जो स्कूल के थे। तो जब टीचर्स वहां पे गए, उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया, तो बच्चे भी आने लगे। नाउ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस क्या है? अच्छा राजतंत्र, अच्छे तरीके से गवर्नमेंट को चलाना, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना, गुड गवर्नेंस इन सिंपल टर्म्स। Isn't it a use example case study for use of technology for good governance? तो जहां पे good governance और technology की बात कर रहे हो वहां पे आपका एक case study लिख दो। अब answer question आया आपका mains के अंदर, do you think technology can be a game changer and a motivator or accelerator for good governance? आपने बाकी सारी बातें लिखी, साथ में case study लिखी, as it happened in Jayantia district of Meghalaya where digital attendance ensured the availability of teacher and solved the problem of proxy attendance. angrezi bhi newspaper hi dega, angrezi likhna bahut zaruri hai, good words, good sentences kaun dega? न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो। अब प्रॉक्सी थोड़े ना लिखते हैं, हम तो लिखते हैं वही जो झूठे लोग हैं जो आए नहीं, अब ऐसे नहीं लिख सकते ना आंसर में, तो प्रॉक्सी अटेंडेंस। ओके, कैसे लगेगा ये बताओ यार, राहुल को बुला लाओ, ये वाली, हाँ लगा देना, पहले इसको कवर कर लें, ये हटेगा कैसे? ओके, तो हम लोग यहाँ पे थे। अब अगली है ये छोटी सी न्यूज, 41 किल्ड इन युगांडन स्कूल अटैक।
युगांडा क्या है? क्या है युगांडा? बहुत लोगों को पता ही नहीं है। एक कंट्री है युगांडा अफ्रीका के अंदर। तो जैसे ही आपने खबर पढ़ी, अगर आपको युगांडा नहीं पता, तुरंत नेट, देखो नेट का सदुपयोग करोगे सिलेक्शन आसान हो जाएगा, दुरुपयोग करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, सदुपयोग क्या है? न्यूज़पेपर पढ़ते समय कीप इट हैंडी, डरो मत, खट 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 खट, लेकिन टाइम नहीं, उसमें बहना नहीं है। बहना क्या होता है? युगांडा सर्च किया, युगांडा के बाद आया स्कैमर्स ऑफ युगांडा, तो मैं लगा अरे यार ये क्या चल रहा है, स्कैम क्या चल रहा है, तुम स्कैम। फिर वहां से आया, ये पैसे भी गए टाइम भी गया, कहीं पे क्लिक क्लिक कर दोगे दोनों गायब है ना। तो हमें वो नहीं करना, बहना नहीं है। जिस इतनी इंफॉर्मेशन के लिए आपने इंटरनेट को यूज करना है, उतनी इंफॉर्मेशन के लिए यूज करो, नोट्स बनाओ, काम खत्म, क्विक क्विक, टारगेटेड अप्रोच। ये नहीं कि देखो वेब इस पे जो ये विकिपीडिया और ये सब पे जाने की परेशानी ये है कि आप बह जाते हैं, इस लिंक से दूसरा क्लिक, दूसरे क्लिक से तीसरा क्लिक, फिर ये याद भी नहीं रहता यार ये शुरुआत कहाँ से करी थी हमने, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे। वो नहीं करना, मेक अ टारगेट कि हर न्यूज को इतने सेकंड देने हैं मुझे या इतने मिनट देने हैं, उससे ज्यादा नहीं देने, टारगेटेड। एक ऑफिसर को बहुत सारे काम है दुनिया में, और अगर वो टारगेटेड अप्रोच ना रखे कि ये काम हो गया खट 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 खट, तो वो तो बह जाएगा, वो तो कभी टाइम मैनेज नहीं कर पाएगा, कुछ भी मैनेज नहीं कर पाएगा। वो तो एक फाइल लेगा, रात तक उसी पे डिस्कशन करेगा, और 150 फाइल जो पेंडिंग है वो नहीं हो पाएंगी ना। तो टारगेटेड अप्रोच इज वेरी नेसेसरी। तो चलो हमने देखा कि युगांडा एक कंट्री है जो कि अफ्रीका के अंदर मिलती है। नेक्स्ट, ये नीचे लिखा हुआ है ना कंपाला, कंपाला क्या है? उसकी कैपिटल। तो अगर कभी हमारे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस में आ जाए 3-4 अफ्रीकन कंट्रीज और उनकी कैपिटल्स, तो वी नाउ नो युगांडा की कैपिटल क्या है? कंपाला। कम से कम एक ऑप्शन तो हमें पता है, और उसी से हम कई बार आंसर खींच लेते हैं, है तो हो गया, ये एक इंफॉर्मेशन मिल गई। अब अंदर की बात हमारे काम की बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़नी। कंपाला में कितने लोग मरे, क्या हुआ, ये हमारा यूपीएससी का अभी कंसर्न नहीं है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, इसीलिए हम अंदर पढ़ेंगे ही नहीं, अंदर की कहानी को देखेंगे ही नहीं। हम सिर्फ युगांडा देखेंगे, उसकी कैपिटल कंपाला देखेंगे, उसके बाद हम अफ्रीका का मैप खोलेंगे, हम देखेंगे कि भैया युगांडा कहाँ पड़ती है, क्या युगांडा लेक विक्टोरिया के पास पड़ती है, लेक विक्टोरिया जो है उसका कितना परसेंटेज ऑफ एरिया बनाती है, और उस लेक विक्टोरिया के आसपास कौन सी कंट्रीज हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं ना, अब लोग बताते हैं कि पास्ट ईयर का एनालिसिस करो और फिर पढ़ाई करो, यही है वो एनालिसिस। कभी उसने पूछा कि युगांडा के अंदर ये अलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सेस क्या कर रही हैं? नहीं पूछा ना, क्योंकि हमें जरूरत भी नहीं है उसको पढ़ने की, हमें बेसिक बेसिक ओवरव्यू, ज्योग्राफिकल मैपिंग उसका पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन आ जाए, सपोजिटली क्वेश्चन आ जाए, युगांडा इज अ सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री, युगांडा इज अ ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्री, युगांडा इज अ वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री, और युगांडा लाइज एट द टिप ऑफ अफ्रीकाज लोअर मोस्ट पोर्शन। अब तुमने युगांडा न्यूज़पेपर में देखा था, पर फिर भी आंसर नहीं कर पा रहे हो, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जाके बस एक बार, अभी मैं गूगल खोलूंगी तो फिर ये थोड़ा सा कार्यक्रम लंबा हो जाता है, लेकिन अगर आप लोग अपने अपने फोन पे खोल के देख लोगे तो तुरंत मैप दिख जाएगा, और आपको पता है कि वो ईस्टर्न अफ्रीकन है कि वेस्टर्न अफ्रीकन है कि कौन सी अफ्रीकन है, पता चल गया। और एक बार मैप देख लिया तो कभी भूलोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये जितना हमने ये एडवर्टाइजमेंट हटाया है ना, ये इसलिए हटाया ताकि इनको पढ़ना ही नहीं है ज्यादा, मतलब जो काम का, तुम्हारे काम का वो पढ़ सकते हो, लेकिन उस पर हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। अच्छा, फिर ये एक खबर है कि दिल्ली के स्लम्स के अंदर कुछ आग लगी, और उसके अंदर से वुमेन जो थी वो बहुत तैयार थी, है ना, वुमेन वर रेडी विद देयर स्ट्रैटेजी टू टैकल फायर्स। कहाँ आग लगी हमें नहीं पढ़ना, क्यों आग लगी, क्या सब, ये सब अभी हमारे यूपीएससी के काम का नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट एज अ अवेयर सिटीजन, हेडिंग पढ़ ली, लेकिन उसको जब हम नोट्स बना रहे हैं तो हम इसको ध्यान ज्यादा नहीं देंगे। इसमें से सिर्फ और सिर्फ जरा सी चीज जो काम की है हमारी, ये है, अगर हम देखें
यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पे एक वुमेन बोल रही है, देखो अभी तुम लोगों को वर्टिकल रीडिंग नहीं आती इसलिए टाइम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे तुम वर्टिकल रीडिंग करने लोगों को तुम्हें काम की बात एकदम तुरंत दिख जाएगी कि सिलेंडर की आग को सैंड और वेट क्लोथ से बुझाया जा सकता है। वहां की लेडीज को ये ट्रेनिंग है कि अगर स्लम्स में आग लग जाए सिलेंडर के द्वारा तो कैसे हटाया जा, कैसे बुझाया जा सकता है, सैंड एंड वेट क्लोथ्स, टू थिंग्स। पानी क्यों नहीं लिखा इसमें, डाउट आना चाहिए नहीं आना चाहिए, पानी तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, नहीं इंसान सबसे पहले आग लगती है पानी लेके भागता है, लेकिन इन्होंने तो कहा सैंड और वेट क्लोथ्स। अब क्वेश्चन बना दिया प्रीलिम्स का, सपोजिटली फायर इरप्टेड थ्रू सिलेंडर्स कैन बी डाउज्ड बाय वॉटर, वेट क्लोथ्स, सैंड, और नीचे ऑप्शन दे दिए, वन ओनली, टू ओनली, वन टू थ्री, टू थ्री, वन थ्री। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, बस हम लोगों को अवेयरनेस कि किस तरीके से उसको करना है, ठीक है। इसके बाद ये एक आया कि कुछ कुछ सीलिंग हो रही है एलजी के ऑर्डर से, जहां जहां पे कुछ कुछ बिल्डिंग्स के अंदर ड्रग पेडलिंग का काम चल रहा था, ड्रग पेडलिंग इन द सेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स फॉर बाय इलीगल मींस, तो उनको डिमोलिश करने का ऑर्डर दिया है। दिल्ली स्पेसिफिक न्यूज़ है, एकदम दिल्ली स्पेसिफिक। ज्यादा से ज्यादा इसका सिर्फ हम लोग एक नोट बना सकते हैं अपने दिमाग में कि ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत हो रही है, जिसको कर्ब करने के लिए एलजी या दिल्ली सरकार भी कुछ स्टेप्स ले रही है, खत्म। इससे ज्यादा हमें और ज्यादा कुछ रजिस्टर नहीं करना, कहाँ वो बिल्डिंग थी, किसकी बिल्डिंग थी, कितने बुलडोजर ले गए, नॉट इम्पॉर्टेंट, एब्सोल्यूटली नॉट इम्पॉर्टेंट। तो ये पढ़ना ही नहीं है, इस पर टाइम ही नहीं लगाना, टाइम, एफर्ट, एनर्जी कुछ नहीं लगाना है, नेक्स्ट, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट, अब आया स्टेट्स वाला, ये हेडिंग है, इसके अंदर आया कि भाई राजस्थान सरकार ने कुछ स्कीम्स लेकर आए थे जो कि काफी इफेक्टिव रही और कुछ स्कीम्स पे उन्हें काम करना है। नाउ इतना बड़ा आर्टिकल हम पढ़ेंगे क्या, और वो भी सिर्फ राजस्थान के लिए, हम राजस्थान पीएससी की तैयारी तो अभी कर नहीं रहे, जो राजस्थान पीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको तो ये पूरा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा क्या, हमें इसमें से क्या बात पढ़नी है सिर्फ, भैया बस ये बता दो कौन सी स्कीम तुम्हारी बढ़िया चल गई, खत्म, उससे ज्यादा, और वो किस लिए चाहिए हमें वो स्कीम, आंसर में लिखने के लिए, सिंपल। अगर हमें कभी लिखना होगा तो हमें क्या लिखना है, ऐसे देखो ऐसे पढ़ना है सीधा, डा 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 डा, अन्नपूर्णा स्कीम, सीधा अन्नपूर्णा स्कीम देखी, नेट पे जाके सर्च कर लो, इसमें इतना पढ़ने की जगह सीधा आ जाएगा उसमें, और खोलना नहीं है, कोई लिंक नहीं दबाना, ऊपर जितना आ जाए ना उतना ही पढ़ना है कि अन्नपूर्णा स्कीम क्या, किस चीज के लिए, खाने के लिए, कपड़े के लिए, एजुकेशन के लिए, किसके लिए, नाम से पता चल रहा है अन्नपूर्णा किसके लिए होगी, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन, इसी के लिए होगी, नाम से पता चल रहा है, वैसे तो सर्च करने की भी जरूरत नहीं है इसको, ठीक है। फिर आ जाओ, डा 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 डा, कुछ काम गएगा, काम गएगा, काम गए, नहीं, ये कुछ है कि लाभार्थी गारंटी कार्ड कुछ बनाया है इन्होंने, लेकिन हमें जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा स्टेट ओरिएंटेड लग रहा है, डा 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 डा, एक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किसके लिए, गैस सिलेंडर्स। अब प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना तुमने तीन चार बार कहीं कहीं पढ़ रखी है, जाओ सर्च करो, चार बातें पढ़ लो, भैया किसको मिलता है सिलेंडर, कितना मिलता है सिलेंडर, और क्यों मिलता है सिलेंडर, और इसके बेनिफिट्स क्या हुए, खत्म। इससे ज्यादा कभी नहीं लिखना, इससे ज्यादा कभी यूटिलाइजेशन में वो नहीं आएगा। काम की बात पढ़ेंगे तो मतलब इट्स लाइक गुड इंफॉर्मेशन इज वेरी एसेंशियल, गुड इंफॉर्मेशन मतलब जो काम की बात, और बैड इंफॉर्मेशन ड्राइव्स आउट गुड इंफॉर्मेशन, बेकार की बातें दिमाग में भर लेंगे तो जो सही बात है वो भी निकल जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये सब पढ़ना कोई जरूरत नहीं है। फिर आए महाराष्ट्र टीम एग्जामिन राजस्थान हेल्थ केयर मॉडल, बस हमें ये पता करना है कि कौन सा हेल्थ केयर मॉडल है जो इतना, कि महाराष्ट्र की भी टीम गई है, फिर
फ्लैगशिप हेल्थ चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, पूरा नहीं पढ़ना सिर्फ ये, राजस्थान हेल्थ केयर मॉडल ऑफ चिरंजीवी इंश्योरेंस स्कीम हैज बीन लाउडेड बाय अदर स्टेट्स ऑल्सो, एक लाइन अपने नोट्स में लिखी, कहां कहां यूज आएगी हमारी हेल्थ के आंसर्स में, खत्म, उसके बाद आगे पीछे कुछ नहीं। बीजेपी सेलिब्रेटिंग व्हाइल मणिपुर इज बर्निंग, आप पढ़ोगे क्या? हेडिंग भी मत पढ़ो, पॉलिटिकल शक्ल से, ठीक है? शिंदे उद्धव पढ़ना ही नहीं है, एसपी सोशल अलायंस पढ़ना ही नहीं है, टाइम एफर्ट नहीं लगाना। केरला फेक एंटीक्विटी गेट्स टर्म फॉर पॉस्को केस, क्या है ये पॉस्को केस? चाइल्ड सेक्सुअल हैरेसमेंट, उसके प्रोविजंस क्या है, कब आया था, कितने कितना समय का उसको सजा मिलती है, खत्म, किसको मिला, ये आएगा क्या कभी? पॉस्को के प्रोविजंस आएंगे तो पढ़ेंगे हम क्या? नहीं, सिर्फ पॉस्को के बारे में हल्का सा पढ़ेंगे, खत्म। उसके बाद कासरगोड स्कूल टीचर टोल्ड टू प्रूव कन्नड़ प्रोफिशिएंसी, बिल्कुल नहीं हाथ लगाएंगे, देखेंगे ही नहीं। टीएमसी फाइल्स हाईएस्ट नंबर, देखेंगे ही नहीं, पढ़ना ही नहीं है, काय को इतना टाइम लगाना है। नेक्स्ट, डिजिटल आई डेटस प्रॉक्सी अटेंडेंस, ये हम पढ़ चुके हैं, इसमें से जितनी काम की बात थी हमने देख ली है, दोबारा नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे दिख नहीं रहा लेकिन हमारे जो साइंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया, अब हमें देखना है कि किसी पर्टिकुलर कारण से रिजाइन किया या यूं ही रिजाइन कर दिया। हमने बहुत जल्दी जल्दी देखा, इसमें लगा कि नहीं, उन्होंने पर्सनल कारण से रिजाइन किया ऑन पर्सनल ग्राउंड्स, और इन्होंने क्या काम किया था, बेसिक 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 कि इन्होंने कोविड के समय में हेल्प करी थी वैक्सीन बनाने में, लेकिन इससे ज्यादा कुछ काम, वैसे तो ये इन्फॉर्मेशन भी काम की नहीं है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन क्यों, क्योंकि तुम्हारे दोस्त जो तुम्हें चाय पे मिलेंगे, इससे कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब क्वेश्चन, अब तुम्हारे दोस्त तुम्हें चाय पे मिलेंगे तो वो कहेंगे अरे तुझे पता है साइंस सेक्रेटरी ने रिजाइन कर दिया, तुम कह रहे मैंने तो न्यूज़पेपर पढ़ लिया, मेरे को मैंने नहीं, मुझे नहीं पता। अब एक्चुअली तुमने काम की बात पढ़ी है, लेकिन ये एक दो फैक्ट्स दोस्तों के लिए पढ़ने पड़ते हैं ताकि तुम उनसे डिस्कशन करते समय कैसे को, हाँ 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 मुझे पता है पर्सनल कारण से उसने रिजाइन कर दिया, बस इसका यूटिलिटी नहीं है एग्जामिनेशन में, ठीक है? अगर एकदम ही फोकस्ड हो तो तुरंत काट दो, मतलब अगर तुम्हें दोस्तों के अंदर तड़ी मारने की आदत नहीं है तो काट सकते हो, अगर आदत है तो पढ़ सकते हो। फिर आया कि भाई कनाडा, ये हमारा जो मिशन है यूएस और कनाडा के अंदर, वहां पे कुछ खालिस्तानी टेररिस्ट ने जाके दंगे वंगे कर दिए, वहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एनआईए एक एजेंसी है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, उसको ये केस दे दिया कि तुम देखो जाके कि भाई कहाँ पे क्या 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 हुआ और कौन कल्प्रिट है। इसके अलावा कुछ बहुत ज्यादा यहाँ पे काम का नहीं है तो ये हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या सर्च करेंगे इंटरनेट पे जाके, व्हाट इज एनआईए, क्या है, क्या करती है, किसके अंडर आती है, खत्म, क्या है, क्या करती है, किसके अंडर आती है, खत्म। तुम्हें क्यों जरूरत है एनआईए की, कल को ऑफिसर बनोगे तुम्हें पता होना चाहिए ना कि कौन से केसेस एनआईए के पास जाते हैं कौन से नहीं जाते, तुम चले गए ऑफिसर बन गए फिर पूछ रहे हो अभी यार एनआईए क्या है, तुम्हारा जूनियर तुम्हें ऐसे देखेगा कि ओहो कोई भी पास कर लेता आजकल एग्जाम है ना, तो ये नहीं होना चाहिए, यू शुड नो, तुम उन्हें बताओ कि देखो ये केसेस एनआईए जाते हैं ये नहीं जाते एनआईए, ये इसके अंडर आता है, अगर मुझे ये फाइल वहां भेजनी है एनआईए भेजनी है तो मुझे यहाँ भेजनी पड़ेगी सेंटर पे, वहां नहीं जाएगी, यू आर दी ऑफिसर, यू विल गिव डायरेक्शन, फाइल वही भेजेंगे, लेकिन बताएगा कौन, और बताने के लिए आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। रेलवे टू रिव्यू ट्रेन ऑपरेशन इंश्योर जीरो कॉम्प्रोमाइज ऑन सेफ्टी, रेलवे अभी बहुत लंबा चलेगा, रेल सेफ्टी पे हर
इंस्टीट्यूट बढ़िया से नोट्स निकालेगा, पता है निकालेगा ही, क्यों पढ़ेंगे हम डेली डेली उसके बारे में, काट दो, बढ़िया से कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स एक बार में पढ़ेंगे। मोदी प्रपोजेस, पीएम मोदी प्रपोजेस G20 मेंबरशिप फॉर अफ्रीकन यूनियन, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या दिखा रहा है ये, स्टैंड ऑफ इंडिया टुवर्ड्स, स्टैंड ऑफ इंडिया टुवर्ड्स अफ्रीका। तो पहले क्या पता होना चाहिए, व्हाट इज G20, G20 की कंट्रीज, और G20 की कंट्रीज से 6-7 तो बना देंगे प्रीलिम्स के क्वेश्चन के, नहीं तुम ही बना दोगे तो, है ना, आप लोग बना लोगे ना आप। और मेंस में कैसा क्वेश्चन आएगा, डू यू थिंक दैट इंडिया हैज मेड इट्स स्टैंड क्लियर टू द वर्ल्ड that how much they value African Union by proposing the membership of African Union to G20. Comment in the reference of G20. वैसे इतना स्पेसिफिक क्वेश्चन कभी आता नहीं है, ये तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए बना रही हूँ क्वेश्चन, ज्यादातर बहुत ब्रॉड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अब हमें पता चल गया इंडिया का स्टैंड क्या है, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि G20 क्या है, कौन कौन सी कंट्रीज इसमें आती हैं, क्या करती है ये, क्या करती है G20, किस बारे में बात करती है। देखो बैठ के नाश्ते में क्या बनना है, खाने पे क्या बनना है, तो बात नहीं करते G20 में बैठ के, इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड जाके हम देख लेंगे कि भैया इन 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 बातों पे बात करती है वो, सिंपल ओके। फिर ये अफ्रीकन यूनियन क्या है, अफ्रीकन यूनियन क्या है, कितनी कंट्रीज हैं अफ्रीकन यूनियन में, क्या सारी अफ्रीका की कंट्रीज इस यूनियन में आती हैं, या कुछ ऐसी अफ्रीका की कंट्रीज हैं जो इस अफ्रीकन यूनियन का पार्ट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन कहां से बनेगा, जो वहीं से प्रीलिम्स का क्वेश्चन उठ के आएगा। अब नीचे की पूरी बात हम लोग एक बार पढ़ लेंगे कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, हो सकता है इसमें कोई रीजन या पॉइंट दिया हो, इसमें कोई बहुत ज्यादा अच्छा पॉइंट नहीं है, लेकिन ऐसी न्यूज को हम एक बार जरूर पढ़ लेंगे, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई पॉइंट निकल सकता है। कहां पे जाके ये सिलेबस में फिट होगा, आईआर इंटरनेशनल रिलेशंस में फिट होएगा ये जाके, ओके नेक्स्ट, ये फिर से आ गया, देखते ही काट दोगे, रेड पेन लेके बैठो, मजा आता है ऐसे, मेरे को तो बहुत मजा आता था ऐसे पेपर काटने में, फिर मुझे लगता था बहुत कम पढ़ना है, और जब कम पढ़ना होता है तो आसानी से पढ़ा जाता है, सब काट दो एकदम ऐसे पेपर ना एकदम रंगीन, पता चले सिर्फ 4 ही चीजें पढ़नी थी यार, इसमें मैंने आधा घंटा लगा दिया तो अगली बार से खुद ही 20 मिनट लगेंगे, ठीक है। डबल बॉर्डर थ्रेट, सेल्फ रिलायंस इज अ necessity. What is double border threat? पाकिस्तान चाइना, भैया इधर से पाकिस्तान उधर से चाइना, दोनों दोस्त है ना, उन्होंने कहा चलो मिलके हमला करते हैं, तो हम अपनी एयरफोर्स कहाँ भेजेंगे, यहाँ या वहां, तो हमारी स्ट्रेंथ स्प्लिट हो जाएगी, कोऑर्डिनेशन की भी बड़ी वो आ जाएगी, तो हम लोग एक डिफेंस स्ट्रेटजी के ऊपर बात कर रहे हैं कि हमारा डबल फ्रंट वॉर या फिर डबल बॉर्डर वॉर जो थ्रेट है वो रियल है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए, इसको पढ़ लेना है। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि इससे हमें मिलेगी अंग्रेजी जो हमें लिखनी है अपने आंसर्स में, ये हमें कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन का मसाला देगा ये वाला आर्टिकल, कि भाई डायरेक्ट रेडीमेड कंक्लूजन एंड इंट्रोडक्शन कैसे, देखो पहली बात ये और ऊपर हो सकता है क्या, चलो छोड़ो, अब दिख रहा है,
जूम, लेट मी सी, ठीक है, लगभग लगभग ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट इज इट सेइंग? Self reliance is not an option but a necessity as India is facing a double threat on its border along the dimension of warfare in a fast changing world. एकदम रेडीमेड इंट्रोडक्शन है इंडिया की डिफेंस पॉलिसी पे, लिख लो, कुछ नहीं सोचना, इंडिया की डिफेंस पॉलिसी पे कुछ भी आए सीधा यूटिलाइजेशन हो जाएगी इसकी। ओके आ रहा हो बाकी ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई हमें अपना डिफेंस इकोसिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, डोमेस्टिक सिक्योरिटी नीड्स के साथ साथ हमें एक्सपोर्ट भी करना चाहिए डिफेंस, ताकि हमारा वो बना रहे, ये सब ठीक है, इसमें कुछ काम का नहीं है। उसके बाद इन्होंने कहा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, हमने दो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर खोले हैं, एक उत्तर प्रदेश और एक तमिलनाडु, दो पुराना करंट अफेयर्स, आप यहाँ पे पहली बार पढ़ोगे तो तुरंत जाके सर्च करोगे इंडियन डिफेंस कॉरिडोर कहाँ बने हैं, तुरंत पता चल जाएगा। देखो जो पहले का नहीं पढ़ा है उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, क्योंकि अब इंडियन डिफेंस कॉरिडोर इतनी बार आ चुका है पहले कि अब न्यूज़पेपर उसे एक्सप्लेन नहीं करेगा, वो सीधा टर्म्स लिखेगा, सो न्यूज़पेपर विल यूज डायरेक्ट टर्म्स, इंडियन डिफेंस कॉरिडोर ऑफ उत्तर प्रदेश। नाउ यू हैव टू गो एंड सर्च बिकॉज यू हैव टू लर्न द अर्लियर करंट अफेयर्स ऑल्सो, ठीक है। तो उसके बाद हमारा ये आ गया। अब यहाँ पे देखो आप जब पढ़ोगे ना आपको बड़ी अच्छी अच्छी लाइंस मिल जाएंगी। एम इज टू बिल्ड एन इको इकोनॉमिकली पावरफुल एंड कंप्लीटली सेल्फ रिलायंट इंडिया विच इज ऑल्सो अ नेट एक्सपोर्टर, नेट डिफेंस एक्सपोर्टर, अच्छी टर्म्स मिल गई। नेट डिफेंस एक्सपोर्टर का मतलब क्या हुआ? नेट जितना हम लेते हैं डिफेंस उससे ज्यादा हम एक्सपोर्ट कर दें, तो जब हमारा एक्सपोर्ट हमारे इंपोर्ट से ज्यादा हो जाएगा तो हम नेट डिफेंस एक्सपोर्टर बन जाएंगे। नेट में हमारा आउटपुट ज्यादा हो गया, ग्रॉस और नेट में पता है नहीं पता, इकोनॉमी में आएगा चिंता मत करो, लेकिन बेसिक अंदाजा लग गया, अंग्रेजी मिल गई। कंक्लूजन में लिख सकते हैं कभी भी डिफेंस एक्सपोर्ट्स पे कोई भी आंसर आए, वो भी कोई भी क्वेश्चन आए, एकदम बढ़िया सा रेडी है। उसके बाद और इसको हम अगर नेक्स्ट पेज पे जाएं, यहाँ पे एक दो लाइंस और हैं, जब आप देखोगे ना यहाँ पे कि भाई हम लोग किस किस एरियाज में काम कर रहे हैं, हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, एक सेकंड रुकिए, हम क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इन डिफेंस कॉरिडोर्स में? ड्रोन्स, ह्यूमनाइज्ड एरियल व्हीकल, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, ड्रोन्स बना रहे हैं हम, UAVs, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, जो ड्रोन्स होते हैं वो क्या ऐसे उड़ते हैं, आप लोगों ने भी देखे नहीं होंगे पर शादियों में देखे होंगे, शादियों में वो आजकल कैमरे से फोटो खींचता हुआ घूमता है ना, जो वो एक बहुत ही सस्ता सा ड्रोन है, वैसे महंगे भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं ड्रोन्स महंगे भी? एंड दीज ड्रोन्स कैन बी यूटिलाइज्ड ऑल्सो फॉर as a weapon, they can be used as a weapon. Drones गए, हमने drones भेज दिए, वो लोग आदमी लड़ रहे हैं, नुकसान किसको हो भाई, हमारा तो drone है, drone को चोट थोड़े ना लगती है, एक नहीं तो 100 बना के भेज देंगे। Human life is most important, weapon है। इसके अलावा ड्रोन्स का कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, खैर वो साइंस एंड टेक में आएगा,
लेकिन हमें पता चल गया कि हम ड्रोन्स बना रहे हैं, हम बना रहे हैं, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर? नहीं पता तो सर्च, और पता है तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तो पता ही है क्या होगा, सामने वाले का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खराब कर दो, वायरस भेज दो, बग भेज दो, है ना। वो मिसाइल छोड़ने ही वाला था, उसके मिसाइल के कंप्यूटर में ही तुमने वायरस भेज दिया, और वो मिसाइल वहां जाती वहीं पे फट गई। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। ब्रह्मोस मिसाइल, जब आप डिफेंस वाला पोर्शन करोगे साइंस एंड टेक में तो ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बहुत पढ़ोगे, तो आपको पता चल गया कि वहां पे ब्रह्मोस मिसाइल भी बन रही है। बस इतना बहुत है हमारे लिए, उसके बाद हम और कुछ इसमें ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। फिर आ गया पीएम साइलेंट एज मणिपुर बर्न्स, इज स्टेट पार्ट ऑफ इंडिया आस्क, कैसा है ये न्यूज? सीधा काटेंगे, फ्रॉम वन इरप्शन टू अनदर डे एंड नाइट स्प्रेड इक्वल ड्रेड। अब समझ नहीं आ रहा किस चीज की न्यूज है हेडिंग से, है ना, तो हल्का सा देख लेंगे कि भैया कुछ कंस्ट्रक्शन मटेरियल था मणिपुर के अंदर, वहां पे कुछ फायर। मणिपुर नाम सुना आपने, और आपको याद है कि पिछले यार 10 दिन से मणिपुर पढ़ रहे हैं, कुछ तो राइट्स चल रहे हैं वहां पे माइटीज को लेकर, क्या प्रॉब्लम है क्या है? ये एक एक न्यूज पढ़ने से समझ नहीं आएगी, क्योंकि हर न्यूज में बड़ा छोटा सा पोर्शन होगा, बड़ा छोटा सा पोर्शन होगा, वो ये नहीं बता रहे हैं न्यूज में ये बात कम आएगी कि भाई पूरी प्रॉब्लम क्या है उसमें, क्या ज्यादातर आती है बात, ये हो गया, आग लग गई, इतने लोग मर गए। हमें डेली न्यूज नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? एनालिसिस। तो इसको हम यहां से नहीं पढ़ेंगे। कब कहां से पढ़ेंगे इसको? मैगजीन या टोटल एनालिसिस, है ना। ऐसे जो भी टॉपिक्स होंगे उनको हम आपको एनालाइज करके देंगे 0 to 100, जो भी उसकी चीजें हैं वो हम आपको एनालाइज करके देंगे उसके अंदर आपको, क्योंकि एक 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 चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं है उसमें। टॉपिकल एनालिसिस आपके पास होना चाहिए, टॉपिकल एनालिसिस मतलब पूरे टॉपिक का निचोड़, बस वही पढ़ना है इसमें। फिर स्टे अवे फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट म्यांमार रिफ्यूजीज टोल्ड, अभी म्यांमार रिफ्यूजीज के अभी आपको नहीं पता म्यांमार, किस किस को पता है म्यांमार से रिफ्यूजीज आए थे? रोहिंग्यास, बाकी को नहीं पता। देखो म्यांमार में सिविल कॉन्फ्लिक्ट हो गया, वहां पे रोहिंग्यास जो थे, जो वहां की लोकल मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, उनको वहां से भगा दिया गया, तो वो कहाँ आ गए? हमारा बॉर्डर शेयर होता है, वो आ गए इंडिया, इंडिया में आकर वो हमारे बॉर्डर एरियाज में सेटल हुए हैं एज रिफ्यूजीज। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि रिफ्यूजीज कौन होते हैं, भाई कोई डेफिनेशन होगी ना रिफ्यूजी की, कि भाई ये व्यक्ति रिफ्यूजी कहलाएगा और ये इलीगल माइग्रेंट कहलाएगा, दोनों के बीच में अंतर है, रिफ्यूजी एंड इलीगल माइग्रेंट। तो ये तो नेट पे जाके सर्च भी कर सकते हैं और वैसे नोट्स में भी आएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। फिर आया कि भाई ये लोग क्या कह रहे हैं, हल्का सा एकदम भगा भगा के पढ़ना है, ये सब नाम नहीं पढ़ने इसमें, इसमें बस काम की बात ये पढ़नी है कि उन्होंने बोला कि म्यांमार के जो लोग हैं, यानी कि जो ये रिफ्यूजीज हैं, इनको मणिपुर की राइट्स के अंदर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया में एंगेज नहीं होना चाहिए। लॉजिकल भी बात है भाई, तुम्हारा देश दूसरा है, हमारा देश दूसरा है, तुम्हें यहाँ पे रिफ्यूजी बनाए तो तुम मिंगल थोड़े ना करोगे वो हमारे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में। सिंपल, ये भी सिर्फ किस लिए है? क्या ये क्वेश्चन बनता है क्या, किस लिए है ये? चाय पे चर्चा के लिए, है ना, क्योंकि कोई ना कोई दोस्त बोल ही देगा तुम्हारा चाय पे कि यार मुझे पता है मणिपुर में क्या हो रहा है, ये जो रोहिंग्या आए थे ना उन्होंने, अब तुमने अगर पढ़ा नहीं होगा तो तुम यार क्या मतलब क्या, अब तुम्हें पार्टिसिपेट करना है, दोस्तों के आगे भी बॉन्ड दिखना है, तो उस डिस्कशन के लिए ये, लेकिन क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर आया आदि पुरुष किक्स ऑफ पॉलिटिकल स्टॉर्म, छत्तीसगढ़ रेडी टू बैन फिल्म्स ऑन पब्लिक डिमांड, पढ़ना चाहिए क्या? सिर्फ एक इशू आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये मूवीज को बैन क्यों कर देते हैं, क्या कोई रेगुलेशन है हमारे देश में कि किसी भी मूवी को बैन कर देंगे या किसी कारण से बैन करेंगे, वो क्या कारण है? स्टेट गवर्नमेंट बैन करेगी या सेंट्रल गवर्नमेंट बैन करेगी? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बैन करती तो छत्तीसगढ़ की बात ही नहीं आती ना, तो यानी बैन तो कौन करता है?
स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन अगर सेंसर से पास हो गई है तो स्टेट गवर्नमेंट बैन कर सकती है क्या? किस बेसिस पे कर सकती है? जब सेंसर ने पास कर दी, लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर किसकी जिम्मेदारी है? स्टेट कह रहा है नहीं, आपकी मूवी तो ठीक है लेकिन हम नहीं चलवा पाएंगे। क्यों नहीं चलवा पाएंगे? हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा होना चाहिए क्या? क्या इससे पॉलिटिसाइजेशन ऑफ मूवीज हो जाएगा? लेकिन ऐसा प्रोविजन रहना भी चाहिए ना कि बैन होने का, क्यों रहना चाहिए? क्या कुछ मूवीज को बैन किया जाना चाहिए? सपोजिडली कोई वल्गर मूवी रिलीज हो गई, ऐसी मूवी जो कि फैमिली में लोगों को नहीं देखनी चाहिए, या बच्चों को, यंग एडल्ट्स को या यंग बच्चों को नहीं देखनी चाहिए, तो क्या उसको बैन किया जा सकता है या उसको एडल्ट्स की कैटेगरी में डाला जा सकता है? जरूरी है ना, वरना कुछ भी चलाएगा मीडिया, है ना, वो नहीं करा जा सकता। तो ये जरूरी भी है लेकिन बैलेंस बनाना है। तो आपका दिमाग बस सोच रहा है, ये लिख नहीं रहा, ये नोट्स नहीं बना रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग चलना स्टार्ट हो गया। सपोजिडली इंटरव्यू में कभी आपसे क्वेश्चन आ जाए, उस समय भी कोई बैन चल रहा हो मूवी का, आपसे बोले कि बताओ आप डीएमओ, आपके एक मूवी रिलीज हुई है जिससे आपके एरिया में दंगे भड़क सकते हैं, क्या करोगे? पूछ सकते हैं ना, वैलिड क्वेश्चन, और ऐसा हो भी सकता है, तो क्या करोगे? अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जा सकता है तो मेंटेन करेंगे, लेकिन अगर एक्सट्रीम कंडीशन है तो ठीक है, ओके। उसके बाद ये सब कुछ नहीं पढ़ना। टेक फॉर्म स्टैंड अगेंस्ट कैश फॉर वोट्स। कैश फॉर वोट्स क्या है? पैसे दो वोट खरीदो। लेकिन इसमें काम की बात है कि बहुत ज्यादा पढ़ना है ना? नहीं। नेक्स्ट, गुजरात लिंपिंग बैक टू नॉर्मलसी आवर आफ्टर विप्रोजॉय। विप्रोजॉय हमने देखा था एक साइक्लोन, लेकिन हम इसको डेली डेली पढ़ेंगे क्या? लास्ट में टॉपिकल एनालिसिस में पढ़ेंगे, क्योंकि वो टॉपिकल एनालिसिस सफिशिएंट होगा। एक बनेगा विप्रोजॉय, उसकी सारी कहानी, क्यों आया, कैसे आया, भैया क्यों बनता है साइक्लोन, गुजरात ने कैसे हैंडल किया और उसने उड़ीसा कैसे हैंडल करता है, हम क्या सीख सकते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, पूरा एक टॉपिकल एनालिसिस, क्योंकि क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, तो इसको हम डेली डेली नहीं पढ़ेंगे, दिमाग नहीं चलाएंगे। सेंटर रिव्यूज प्रिपेयर्डनेस अहेड मॉनसून इन असम। मॉनसून में असम के लिए प्रिपेरेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है? दिल्ली के लिए क्यों नहीं पड़ रही? क्योंकि असम में क्या आती है? फ्लड्स, है ना, असम फ्लड्स आर। अभी जब तुम न्यूज़पेपर पढ़ते जाओगे ना, तुम्हें ये इनसाइट बनती चली जाएगी कहाँ पे क्या क्या होता है। तो असम में क्या होता है? फ्लड्स। लेकिन उससे आगे नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। ये कुछ ईडी ने किसी के पैसे वैसे अटैच कर लिए, नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, कुछ नहीं पढ़ेंगे, ये सब आलतू फालतू सिंपल सिंपल चीजें। फिर आया, इंडिया वुड नॉट हैव बीन पार्टीशन्ड इफ नेताजी वॉज देयर, एनएसए। अगेन अ लिटिल पॉलिटिकल ओरिएंटेशन। क्या नेताजी पे ऐसा क्वेश्चन आएगा? नेताजी मतलब सुभाष चंद्र बोस पे कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा क्या? वो तो आएगा कि उन्होंने काम क्या किया, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में उनका रोल क्या था, तो ये सब तो इस आर्टिकल में नहीं मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे, हिस्ट्री में पढ़ ही लेंगे, जितनी काम की बात है वो हिस्ट्री में आ ही जाएगी, तो उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन एक जगह कहीं पर लिख लेंगे कि न्यूज में नेताजी के बारे में या फिर सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात हुई थी, तो यानी कि हिस्ट्री में जब हम स्टैटिक पोर्शन पढ़ रहे हैं तो हम नेताजी वाला पोर्शन ध्यान से और ज्यादा गहराई से पढ़ेंगे। वी विल लुक एट दैट पोर्शन विद मोर डेप्थ। ओके, लेटर टू DGCA6, इमरजेंसी यूज नॉट फॉर इन्वेस्टिगेशनल एंटीबायोटिक्स। व्हाट इज इन्वेस्टिगेशनल एंटीबायोटिक? एंटीबायोटिक्स क्या है? व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? लेट मी सी, एनी ऑनलाइन स्टूडेंट हु वांट्स टू टेल मी, कैन वी अनम्यूट देम? अलका,
गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन किसके लिए है? न्यूज़पेपर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप तो इतने सारे मीन्स अवेलेबल है। आप देखो अभी न्यूज़पेपर की क्लास भी तो ले रहे हो ऑनलाइन। ओके, एनीथिंग रिलेटेड टू न्यूज़पेपर इफ एंड म्यूट कर दे, इफ एनीथिंग रिलेटेड टू न्यूज़पेपर इफ एनीबडी हैज देन वी कैन आस्क, मतलब दे कैन आस्क। आर वी गेटिंग हार्ड कॉपी ऑफ नोट्स? नोट्स है नहीं अभी तक तो, हमने नोट्स बनाए नहीं, कुछ भी नोट्स बनाए क्या? वो जो चीजें तीन चार बताई है वो कैसे बनाएंगे वो भी अभी मैं बताऊंगी, कहाँ पे बनाएंगे ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? कौन पूछना चाहते हैं? हाँ प्लीज नुसरत, नुसरत प्लीज आस्क। सईद गुड आफ्टरनून। ओके I'll tell you, don't worry. अभी नो, just wait for a while. Once we cover this newspaper, then I will tell you how are the various ways in which you can make your notes from newspapers. There are two three ways. One is for the tech savvy people. One is for the traditional copy pencil people. You know, everybody has a different style of studying. So whatever is your style, I'll tell you few areas where you can, how you can make notes. You know, so let me complete that. Lakshmikant is just a starting point. You cannot write notes through it. It's a very basic starting foundational in the sense, that's the basic that you have to read. And if you have to write good answers, you have to build over Lakshmikant. There have to be many layers. And definitely Lakshmikant is the basic book that you have to cover, but you cannot, it's not the complete thing. One of the source will be newspaper. It will also come from other sources. Absolutely, absolutely. Okay. So let us continue. So what are investigational antibiotics? Antibiotics are medicines for bacterial infections. Infection हो जाता है तो डॉक्टर एंटीबायोटिक दे देता है, ठीक है? एंटीबायोटिक, खैर एंटीबायोटिक बहुत बड़ा एक टॉपिक है हमारे, जब हम साइंस पढ़ेंगे ना तो उसमें एंटीबायोटिक एक बहुत बड़ा टॉपिक आएगा कि एंटीबायोटिक क्या कभी भी ले लेने चाहिए, क्यों नहीं लेनी चाहिए? साइड इफेक्ट होता है और अच्छा कभी ऐसे सुना है डॉक्टर से इसका कोर्स पूरा करना है, सुना है कि एंटीबायोटिक का कोर्स बीच में नहीं छोड़ना, क्यों नहीं छोड़ना बीच में?
इफ यू टेक एंटीबायोटिक एंड इफ यू डू नॉट कंप्लीट कोर्स द बैक्टीरिया डेवलप्स अ रेजिस्टेंस। तो यानी कि आप एंटीबायोटिक खाओगे तब भी इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो म्यूटेट कर जाता है और रेजिस्टेंस को एक्वायर कर लेता है। वो कहानी सुनी है, एनीथिंग विच डजंट किल मी मेक मी स्ट्रॉन्गर, क्या कहा इसका मतलब क्या है? अब दो लोगों में फाइट हो रही है, समझो, तुम लोग ऐसे नहीं समझोगे, तुम लोग लाइव एग्जांपल से समझते हो। जैसे दो लड़के हैं, सुरेश और महेश, ठीक है, जानी दुश्मन, और एक दिन उनकी लड़ाई हुई, तो सुरेश और महेश के बीच में ऐसी लड़ाई हुई कि सुरेश ने महेश को मारा, है ना, मारा इन द सेंस उसे थप्पड़ वप्पड़ मारे, उसे चोट मार दी। लेकिन अब क्या महेश चुप रहेगा? वो क्या करेगा? बदला लेगा। तो यानी कि वो उसे चोट लगी लेकिन वो पूरी तरह से गायब नहीं हुआ था, वो रिवर्ट बैक किया। उसी तरह से अगर हम एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं, हमारे बॉडी में इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन आर लाइक दुश्मन बैक्टीरियाज, दुश्मन, हमने उनके खिलाफ एंटीबायोटिक्स दी लेकिन हमने पूरी नहीं दी, तो क्या हुआ? सम ऑफ द बैक्टीरियाज रिमेन देयर एंड नाउ दे बिकम स्ट्रॉन्गर, दे डेवलप सर्टेन टैक्टिक्स टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक, और हमारे कैसे वाले बैक्टीरिया जन्म हो गए? ड्रग रेजिस्टेंट और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। अब अगर ऐसे वाले बैक्टीरिया सोसाइटी में घूम रहे हैं जिन पे एंटीबायोटिक काम नहीं करती, तो ये खतरे की बात है। किसी को इन्फेक्शन हुआ, वो एंटीबायोटिक खाए जा रहा है, इफेक्ट ही नहीं है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जुडिशियसली एंटीबायोटिक्स को यूज करें। तो और अभी क्या हो गया है हमारे इनडिस्क्रिमिनेट एंटीबायोटिक के यूज से? कितने लोग डॉक्टर के पास जाके एंटीबायोटिक लेते हैं? कितने लोग गला खराब होने पे खुद ही दवाई ले आते हैं? कितने लोग केमिस्ट से ही ले आते हैं? और कितने लोग 30 रुपए की पुड़िया ले आते हैं? अब क्या है, एंटीबायोटिक देनी सबको आती है ना, ये तो हमें भी पता है, ऑगमेंटिन और कोर्स पूरा किया नहीं। तो अब हमारे यहाँ पे क्या कंडीशन हो गई कि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन घूम रहे हैं जो कि एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होते। दे रिक्वायर सर्टेन अदर ड्रग्स, सर्टेन मोर एडवांस्ड ड्रग्स, एंड सम ऑफ दीज ड्रग्स आर वेरी strong drugs and they are still experimental drugs. Still कैसा है उनका? They are under investigation. They are still being researched upon. But इसीलिए उनको widespread use तो कर नहीं सकते, जो चीज research के अंदर है उसको सब पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन supposedly अगर एक आदमी है, उसको infection हो गया जो किसी भी antibiotic से treat नहीं हो रहा, तो उसके ऊपर अगर experimental drug use कर भी लाए, वैसे भी मरना था, अगर experimental drug से बच गया तो बच गया। तो अब डॉक्टर्स इन इन्वेस्टिगेशनल एंटीबायोटिक्स की वो मांग रहे हैं सरकार से कि भाई हमें यूज करने की परमिशन दे दो इन एक्सट्रीम केसेस, नहीं तो जिनको ऐसे वाले इन्फेक्शंस हो जाते हैं वो लोग मर जाते हैं बिकॉज दे डोंट गेट दीज एंटीबायोटिक्स। सो दिस इज द होल स्टोरी। अब कहानी समझ में आ गई, तो इससे हम लोग बस कहानी समझेंगे और कुछ प्रॉपर टॉपिक, और इससे जो क्वेश्चन निकलेंगे जिसे हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस बोलते हैं, या फिर जिसको बोलते हैं कि रेड लाइन लगी होती है एंटीबायोटिक्स में, रेड लाइन कैंपेन, बहुत सारी नाम है इसके, वो हम पढ़ेंगे, वो जब साइंस एंड टेक आएगा तब उसमें आएगा। फ्रॉडस्टर्स, शटर, कैनेडियन ड्रीम ऑफ पंजाब, यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जनरल अवेयरनेस के लिए इम्पोर्टेंट है। जनरल अवेयरनेस कैसे कि फ्रॉडस्टर्स कैसे काम करते हैं, वो यहाँ पे नकली जाली कागज बना के यूथ को बुला लेते हैं, फिर कनाडा के अंदर उनको किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में कर देते हैं एडमिट, और बाद में जब गवर्नमेंट को पता चलता है तो वो डिपोर्ट कर देती है। कनाडा की गवर्नमेंट को पता चला तो उन्होंने कहा अरे ये तो नकली जाली कागज से आए हुए हैं, पर इसमें बच्चों की गलती है क्या?
because they have been duped by agents. So it's the duty of government to crack down on those agents. कि कैसे भेजा तुमने गलत कागजों से. बस ये कहानी है, है ना, जनरल अवेयरनेस के लिए, ताकि कभी हम ऐसे किसी पचड़े में ना फंसे. जस्ट फॉर जनरल अवेयरनेस, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है. नेक्स्ट, ये सब ठीक है, ऐसा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है. ये चाहो तो ये देख सकते हो, बस ये एक थोड़ा सा. पाकिस्तान को कितना पैसा मिल गया? $1 billion फ्रॉम चाइना टू बूस्ट फॉरेन रिजर्व्स. फॉरेन रिजर्व्स इज अगेन अ कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी. सो व्हेन यू विल रीड इट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आर फॉरेन रिजर्व्स एंड हाउ इट वर्क्स. बट इंफॉर्मेशन पता चल गई कि चाइना पाकिस्तान को इतना पैसा दिया. क्यों दिया? अब इसके बदले में चाइना पाकिस्तान से क्या लेगा? स्ट्रैटेजिक क्वेश्चन. अगर वो इतनी ही दोस्ती दिखा रहे हैं तो हमारा डबल फेस वॉर या फिर डबल उसका थ्रेट और बढ़ रहा है. अंडरस्टैंडिंग, बस नोट्स नहीं है, ये सिर्फ दिमाग की अंडरस्टैंडिंग है. ओके, वॉर मस्ट एंड, साउथ अफ्रीका लीडर रामफोसा टेल्स पुतिन. पुतिन मानेंगे क्या? बातों से मान रहे हैं क्या वो ऐसे कि भाई नहीं 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 बेटा लड़ो मत, लड़ो मत, ऐसा कहने से काम चलेगा? और ऊपर से वो भी अफ्रीका, मतलब अफ्रीका पुतिन को अगर ऐसे बोलेंगे तो पुतिन मानेंगे क्या? ठीक है. फिर आ गया रशिया रिपेल्स ड्रोन अटैक ऑन ऑयल पाइपलाइन स्टेशन. देखो ड्रोन अटैक वॉरफेयर में यूज हो रहा है. यूक्रेन ने ड्रोन भेजा कि रशिया की पाइपलाइन, जो ऑयल की पाइपलाइन है उसे उड़ा दो. लेकिन रशिया ने उससे पहले से तैयारी कर रखी थी. किस चीज की तैयारी कर रखी थी? कि अगर कोई ड्रोन आए तो उसको पहले ही उड़ा दो. यानी कि जब हम डिफेंस से रिलेटेड कभी कोई आंसर लिखेंगे तो हम दोनों टेक्नोलॉजीज के बारे में लिखेंगे, ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव. हमारे पास वो ड्रोन्स भी होने चाहिए जो दूसरों के जाके, दुश्मन के जाके उनकी पाइपलाइंस उड़ा दे. और ऐसे वाले मैकेनिज्म्स भी होने चाहिए कि कोई और हमारे पास भेजे तो हम उससे डिफेंस कर सके. तो पॉइंट बन गया डिफेंस में डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव. ओके, उसके बाद बाकी कुछ काम का नहीं है. सऊदी मिनिस्टर अराइव्स इन तेहरान अमिड, बस इतना पता होना चाहिए कि भाई सऊदी और ईरान के बीच में थोड़ा अब स्थितियां ठीक हो रही है. लेकिन अभी आपको पता ही नहीं सऊदी और ईरान के बीच में पुरानी स्थिति क्या थी, वो जब हम IR पढ़ेंगे, जब उसका स्टैटिक पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी, फिर इस न्यूज का कोई मतलब निकलेगा. लेकिन जब तक हमने वो पढ़ा नहीं तब तक इस न्यूज का कोई खास मतलब नहीं है अभी हमारे लिए. एयर स्ट्राइक्स हिट सुडानीज कैपिटल किलिंग 17% इंक्लूडिंग 5 children. इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? सुडान की कैपिटल बताओ. अरे देख के बताओ, फोन है तुम्हारे पास. अपने हाथ से सर्च करना सीखो. कटॉम. डाफोर नहीं क्या? कौन सी है? तुम लोग तो बहुत टाइम लगा रहे हो जरा सी कैपिटल पता करने में. ओके ओके, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट है क्या इसमें? सूडान के अंदर कितने लोग मरे, कहां किसने किस कहां पे अटैक हुआ, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट, यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट, तो हम इसको इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे. ओके, फिर आया गॉड सेव द क्वीन सेज बिडन बैफलिंग ऑडियंस. हमें बताएं कि यूके के अंदर मोनार्की है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, किंग अभी चार्ल्स वहां पे बने ना, उससे पहले क्वीन थी, तो हमेशा क्या बोलते थे? गॉड सेव द क्वीन. लेकिन अब कौन आ गए हैं तो क्या बोलना चाहिए था आगे पीएम को? बस पढ़ना चाहिए क्या हमें? स्लिप ऑफ टंग, ठीक है जो भी है, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर क्वेश्चन कुछ नहीं बनेगा. मल्टीपल स्पेस फ्लाइट विद शॉर्टर रिकवरी टाइम अफेक्ट्स ब्रेन. ये सब ना रिसर्च टाइप के काम होते हैं,
इन पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। बेसिकली हमें बस ये पता होना चाहिए कि यार इससे होता क्या है, मोटा मोटा। मोटा मोटा मतलब कि भाई स्पेस फ्लाइट से कुछ तो चेंज हो जाता है जिससे ब्रेन पे कुछ असर, देयर इज सम इफेक्ट ऑफ स्पेस फ्लाइट व्हिच अफेक्ट्स आवर ब्रेन। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई, व्हेन यू विल रीड इट द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग दैट विल कम इज साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड मतलब, साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है? हमारा ब्रेन एक फ्लूइड के अंदर तैरता रहता है। क्रेनियम, क्रेनियम मतलब ये जो बोन्स का डब्बा सा है, उसके अंदर क्या है? ब्रेन। ब्रेन ऐसा नहीं है कि खाली ऐसे हिला के देखो बज रहा है क्या, डब्बे में कुछ रखोगे तो बजेगा ना, क्यों नहीं बज रहा? नहीं, हिला के देख लो एक बार, नहीं बज रहा? मैंने खाली डब्बे में कुछ रख दिया तो बजेगा, तो क्यों नहीं बज रहा? क्योंकि साथ में एक फ्लूइड भी है, वो क्या है? इंट्राक्रेनियल फ्लूइड, है ना? इंट्राक्रेनियल, क्रेनियल मतलब ब्रेन, इंट्राक्रेनियल फ्लूइड। तो वो जो इंट्राक्रेनियल फ्लूइड है उसके कारण से ये बजता नहीं है, हमें महसूस होता वहां पे अपना ऐसे तैरता सा रहता है ब्रेन जो है हमारा। लेकिन जब भी फ्लूइड होएगा, whenever there is a fluid attached with something and space is a area of vacuum, तो कुछ changes आते हैं हमारी body में, तो इस कारण से brain पे कुछ असर आता है। खत्म। इससे ज्यादा हमें बहुत डिटेल में साइंटिस्ट नहीं बनना, मोटी मोटी बात पता होनी चाहिए सिर्फ। फिर आया, क्योंकि क्यों पता होनी चाहिए, कहाँ यूज आएगी? डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कभी इससे, ऐसे वैसे में कभी काम आ सकती है, कभी साइंस का ऐसे आ गया, सपोजिटली स्पेस का ऐसे तो ऐसे ही आ रहे हैं, है ना, ऐसे आ गया। डू यू थिंक वी कैन फाइंड अनदर अर्थ थ्रू आर स्पेस ट्रेवल्स, है ना, आ गया कि भाई इस अर्थ को तो हमने खराब कर दिया, अब दूसरी अर्थ के लिए स्पेस में जाना पड़ेगा। अब ऐसे में लिखना है तुम्हें तो उसके अंदर लिखना पड़ेगा ना कि भाई कितनी भी हम सोच लें, लेकिन देखो उस पे हमारी ह्यूमन बॉडी पे स्पेस में जाने से कितना इफेक्ट आता है। एक पॉइंट मिल गया आपको लिखने के लिए, है ना। तो ये अभी कभी भी याद आएगा तो आप अपने एसएमएस में यूज कर सकते हो। कूलर डेज वार्मर नाइट्स इन भुवनेश्वर एंड कटक, ऐसा लग रहा है कि जैसे छोटी छोटी सिटीज की बात हो रही है, लेकिन जब भी ज्योग्राफिकल चीज हो उसे हम थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है अर्बन हीट आइलैंड, लिखा हुआ है इसमें अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट क्या है? किस किस के पास कोई कोई मतलब आप में से कौन लोग कभी गांव गए हैं, है ना? Have you been to your native villages? So when you go to village, do you feel that the temperature is a little lower there? You feel more cold and you don't feel that, you know, that much heat. इतनी गर्मी नहीं लगती, क्यों? हवा, ग्रीनरी, है ना, बिकॉज ऑफ दैट द टेम्परेचर इज अ लिटिल लोअर। बट इन सिटीज लाइक दिल्ली व्हाट हैपेंस? कॉन्क्रीट की बिल्डिंग ही बिल्डिंग। तो इस कॉन्क्रीटाइजेशन के कारण जो गर्मी है वो ट्रैप हो जाती है, और यहाँ का टेम्परेचर आसपास की एरियाज के टेम्परेचर से ज्यादा हो जाता है। तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? अर्बन हीट आइलैंड। अर्बन मतलब अर्बन सिटीज में ही है, हीट ज्यादा, टेम्परेचर आइलैंड, आइलैंड मतलब छोटे से एरिया में ही कॉन्सेंट्रेटेड है ये हीट, निकल नहीं पा रही है। तो ये एक फिनोमिना है जिसके कारण, ये एक इफेक्ट है जिसके कारण सिटीज के अंदर गर्मी बढ़ती जा रही है। लेकिन भुवनेश्वर और कटक भी सिटीज हैं, तो उनके अंदर दिन में ठंड और रात को गर्मी क्यों हो रही है? कुछ तो ज्योग्राफिकल फिनोमिना होगा, क्यों हो रही है? नो, नॉट एग्जैक्टली। देखो अब यहाँ पे इसको जब आप पढ़ोगे ना तो वो बताएगा, पहले इसने बताया अर्बन हीट आइलैंड क्या है,
डेफिनेशन मिल गई यहीं से आपको, फिर आपने पढ़ा और उसने बताया इतने परसेंट इतने परसेंट, उसने बताया कि एक और फिनोमिना होता है जिसके कारण ये रिवर्स हो जाता है। लेकिन अब आप अर्बन हीट आइलैंड जब ज्योग्राफी में पढ़ोगे तब आपको रिवर्स समझ आएगा, लेकिन जब आप पढ़ लोगे तब ये न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। कैसे क्वेश्चन आ सकता है इस पे बताओ बताओ बताओ, एक क्वेश्चन बनाओ ना आपको वो वाला, तब तक डर्म ढूंढ के देती हूँ। प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है, कैसे बन सकता है? देखो जब तक आप क्वेश्चन बनाना नहीं सीखोगे तब तक प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करना भी, और तब तक हर न्यूज में से पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है। कैसा क्वेश्चन बन सकता है? स्टेटमेंट नंबर वन, द फिनोमिना लाइक अर्बन हीट आइलैंड इज मेनली फाउंड ओनली इन अर्बन एरियाज। सेकेंड, इन दिस फिनोमिना देयर इज मोर हीट ड्यूरिंग नाइट टाइम देन डे टाइम। अब यानी कि ये पूरा फिनोमिना पता होगा तो तब हम इन स्टेटमेंट्स को ठीक कर पाएंगे। तो जब तक आपने स्टैटिक में नहीं पढ़ा तब तक क्या करोगे इस टॉपिक का? एक जगह नोट करके रख लोगे कि इससे रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन जब भी हमारी ज्योग्राफी कंप्लीट होगी तब जरूर से पढ़ना है। इस न्यूज से सिर्फ काम नहीं चलेगा, यू हैव टू रेफर टू स्टैटिक पोर्शन, वहां पे जाना ही जाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आएगा। ओके, फिर आया मंकी पॉक्स आउटब्रेक इन एशिया पैसिफिक रीजन। व्हाट इज मंकी पॉक्स? सुना है किसी ने? सुना है? अच्छा, सुना सबने है। क्या है ये? स्किन पे कुछ हो जाता है। ओके, इज इट अ बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज और प्रोटोजोअल डिजीज? क्वेश्चन तो यही आएगा भाई, मंकी पॉक्स कहाँ फैला ये तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या आएगा प्रीलिम्स में अगर आएगा तो? इट्स अ वायरल, लिखा हुआ है सामने सामने है ना, इट्स अ वायरल डिजीज। पहले WHO ने इसे हेल्थ इमरजेंसी, ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था। अब जैसे ही आपने सेंटेंस पढ़ा आपके दिमाग में आना चाहिए कि कौन डिक्लेयर करता है ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी? अगर इसका प्रीलिम्स क्वेश्चन बना दूं मैं तो, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज डिक्लेयर ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी? नंबर वन UN, नंबर टू ग्लोबल हेल्थ इंडिकेटर डेफिनेशन ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन है मैंने बना दी। थर्ड WHO। फोर्थ UN डिसाइड्स विद द कंसेंसस ऑफ ऑल द कंट्रीज टू डिक्लेयर अ डिजीज एज ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। WHO, ठीक है। अब हम आगे आए, अब ये क्या कह रही है न्यूज आइटम, ये पढ़नी है जब भी कभी ऐसी आएगी कुछ भी डिजीज से रिलेटेड आएगी, ये साइंस एंड टेक के लिए प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोल रहा है कि भाई जो हमारे ये मंकी पॉक्स जो ग्लोबल इमरजेंसी के रूप में डिक्लेयर किया था WHO ने, ये उसने अभी वापस ले लिया, उसने कहा अभी ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं है, लेकिन अभी भी इसके केसेस बहुत सारी कंट्रीज खास करके एशिया की कंट्रीज में मिल रहे हैं, पैसिफिक की कंट्रीज में मिल रहे हैं, यानी ये फैल तो रहा है। कैसे फैल रहा है? साइलेंटली, दो तीन चार लोग हर कंट्री में मिल रहे हैं। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार ये फैल कैसे रहा है, क्या ये ह्यूमन कॉन्टैक्ट से फैलता है? कैसे फैलता है? हर डिजीज के फैलने का तरीका होता है ना, तो कैसे फैल रहा है पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन कैसे बन सकता है? मंकी पॉक्स विच इज अ वायरल डिजीज स्प्रेड्स थ्रू, नंबर वन स्किन कॉन्टैक्ट, नंबर टू एक्सचेंज ऑफ सीरम्स, नंबर थ्री ओपन वूंड्स, नंबर फोर बाय स्नीजिंग,
और एयरबॉर्न, कोरोना कैसे फैलता था? एयरबॉर्न। और उसके बाद नीचे मैंने ऑप्शंस दे दिए, वन ओनली, वन टू थ्री, वन टू, ऐसे ऐसे करके बना सकते हैं। बन गया प्रिलिम्स का क्वेश्चन। और इसका आंसर कहाँ लिखा है? इसी में ही लिखा है नीचे, जब हम जाएंगे कि एम पॉक्स और मंकी पॉक्स इज अ वायरल डिजीज दैट प्राइमरली स्प्रेड्स टू द ह्यूमन पॉपुलेशन थ्रू जूनोटिक स्पिलओवर्स। जूनोटिक स्पिलओवर्स मतलब जो चूहे होते हैं उनके द्वारा ये फैलाया जाता है, और बंदरों के द्वारा, बेसिकली जानवरों से इंसानों में आता है, और उसके बाद इंसानों में कैसे फैलता है? थ्रू क्लोज कॉन्टैक्ट, एक्सपोजर ऑफ बॉडिली फ्लूइड्स, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, लेजन्स एक्सेट्रा। यानी कि छींकने से फैल रहा है क्या? या तो छू लिया, ऐसे कॉन्टैक्ट कर लिया, या किसी जख्म से कॉन्टैक्ट हो गया, या सेक्सुअल एक्टिविटी के थ्रू, या फिर लेजन्स के थ्रू, बॉडीली फ्लूइड्स के थ्रू, है ना? और के तरीके से नहीं फैल रहा है। ठीक है, अब उसके बाद बस बेसिक बेसिक समझ लिया कि कहाँ फैल रहा है, क्यों फैल रहा है, लेकिन उससे कोई इन्फॉर्मेशन ज्यादा मिलेगी नहीं, काम की इतनी ही थी। अब हमने यहाँ से पढ़ लिया मंकी पॉक्स, एम पॉक्स। अब हम क्या करेंगे, एक बार जाके नेट पे सर्च करके कुछ और जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी इस डिजीज से रिलेटेड वो देख लेंगे। क्या मंकी पॉक्स पहली बार आया है दुनिया में या इससे पहले भी था? एनिमल से ह्यूमन में कैसे आ गया इन्फेक्शन? भाई चूहों से, बंदरों से इन्फेक्शन ह्यूमन में कैसे आ गया? जूनोटिक इन्फेक्शन क्या होते हैं? हल्का फुल्का पता होना चाहिए, साइंस एंड टेक में तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, लेकिन बेसिक अंदाजा यहां से ले लोगे तो तुम्हारी विजन हो जाएगी। ओके, ओवर फिशिंग इज ड्राइविंग कोरल रीफ शार्क टुवर्ड्स एक्सटेंशन। एक्सटेंशन ये अगेन एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई शार्क डोमिनेटेड जो रीफ थी वो प्रोटेक्ट करती थी मरीन सैंक्चुरी को, लेकिन जो रे डोमिनेटेड है वो उतनी अच्छी नहीं है। क्वेश्चन आ जाता है एनवायरनमेंट के, क्वेश्चन कैसे आते हैं बहुत डीप में, विद द नेम्स ऑफ स्पीशीज। अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है कि कोरल रीफ्स वगैरह क्या होते हैं, लेकिन ये जब आप वो पढ़ लोगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाएगी। इंक्रीजिंग लाइट पोल्यूशन हैज लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन। व्हाट इज द लाइट पोल्यूशन? लाइट पोल्यूशन क्या होती है? एयर पोल्यूशन तो सुना है, वाटर पोल्यूशन सुना है, एयर पोल्यूशन मतलब क्या हुआ? एयर में ये स्मोक, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, नाइट्रोस ऑक्साइड, ये सब जो होते हैं। वाटर पोल्यूशन क्या हुआ? वाटर के अंदर सीवेज डाल देना, केमिकल्स डाल देना, है ना? तो लाइट पोल्यूशन क्या हुआ? वो नहीं है जो भी तुम सोच रहे हो। लाइट पोल्यूशन इज जस्ट टू मच लाइट। देयर इज अ सर्कैडियन साइकिल। सर्कैडियन साइकिल क्या होती है? जस्ट लाइक साउंड पोल्यूशन। एग्जैक्टली, साउंड पोल्यूशन क्या होता है? जहां पे शोर नहीं होना चाहिए वहां पे भी शोर होता रहे। जैसे कि यहाँ पे अभी इंडस्ट्रियल मोटर चला दी जाए तो वो क्या हो जाएगा? साउंड पोल्यूशन। ठीक है, तो उसी तरह से जो एनवायरनमेंट के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर जो छोटे छोटे जीव जंतु रहते हैं, सपोजिडली टर्टल इज स्टेइंग, ऑलिव रिडली टर्टल वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, ऑलिव रिडली टर्टल जो है वो उड़ीसा कोस्ट पे मिलते हैं, बड़े बड़े एग्जॉटिक, बड़े अलग टाइप के टर्टल्स हैं जिनको हम प्रिजर्व करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। हम उन्हें प्रोटेक्ट क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि वो स्पीशीज बड़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत कम है, अगर हमने उसे प्रोटेक्ट नहीं किया वो खत्म हो जाएगी। जैसे बहुत सारी स्पीशीज खत्म हो गई हैं, डोडो बर्ड खत्म, एक्सटिंक्ट, नाउ इट्स नॉट देयर। सो सिमिलरली वी डोंट वॉन्ट दीज स्पीशीज टू गो एक्सटिंक्ट। हम नहीं चाहते वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएं, तो हम क्या करेंगे? उनको प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन उनको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? पहले उनका साइकिल समझना पड़ेगा। सो जो ये टर्टल्स हैं, इनकी एक साइकिल है। जैसे नॉर्मली अब हम लोग तो शहर में रहने लगे हैं तो हमें लाइट है, लेकिन तुम गांव चले जाओ तो गांव के लोग, दिन अगर लाइट बहुत ज्यादा नहीं है वहां पे, तो शाम होते के समय वो खाना खा लेते हैं और 8 बजे तक सो जाते हैं, और सुबह 4-5 बजे तक उठ के एकदम फ्रेश, पूरा दिन मेहनत करते हैं, और उसके बाद तुरंत 8 बजे जैसे ही अंधेरा हुआ सो गए।
दे आर वेरी हेल्दी, दे आर नॉट हैविंग प्रॉब्लम्स ऑफ स्ट्रेस एंड यू नो बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स उनको नहीं होती. क्यों नहीं होती? दे गो विद द नेचुरल साइकिल. सो आर बॉडी प्रोड्यूसेस सर्टेन केमिकल्स और हार्मोन्स व्हेन देयर इज नो लाइट, जिससे हमें आराम मिलता है. कहते हैं ना कि अंधेरा करके सो. अंधेरा करके क्यों सो? क्योंकि मेलेटोनिन एक हार्मोन है जो कि रिलीज होता है जब हम अंधेर. आजकल सुना होगा ना कि लोग बोलते हैं फोन को बहुत देर तक रात को नहीं देखना चाहिए. क्यों नहीं देखना चाहिए रात तक? बिकॉज इट रिलीजेस व्हाइट रेज. क्या होता है व्हाइट रेज के रिलीज होने से? ये जो व्हाइट रेज रिलीज होती है ना, तो हमारा जो दिमाग का एक ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड, वहां से जो एक हार्मोन रिलीज होना होता है जिससे हमारे शरीर को आराम मिलता है, वो नहीं होता. बिकॉज ऑल आर हार्मोन्स आर लिंक्ड टू वन और द अदर एक्टिविटी. आर बॉडी इज ट्रेन्ड कि जब अंधेरा होगा तब मैं, क्योंकि वरना दिन भर नींद आएगी ना, वरना दिन भर नींद आएगी. तो बॉडी की ट्रेन कैसे कि जब अंधेरा होगा तो मैं ये हार्मोन रिलीज कर दूंगी और व्यक्ति को नींद आएगी और वो आराम कर लेगा. लेकिन हम तो एकदम सूर्य से भी तेज रोशनी अपने ना आंख पे लगा के रखते हैं रात को. तो जब वो लगा के रखते हैं तो हमारे ब्रेन को सिग्नल ही नहीं जाता कि अब सोना है. तो इसीलिए स्लीप डिप्रिवेशन बढ़ती जा रही है. ऑल ऑफ दिस इज देयर. हाउ इज इट लिंक्ड टू लाइट पोल्यूशन? सिमिलर साइकिल इज ऑल्सो फाउंड इन टर्टल्स एंड ऑल दीज एनिमल्स. और हमने बना दिए आसपास बहुत बड़े बड़े शहर. तो अभी बड़े बड़े शहर क्या करते हैं? बहुत लाइटें फेंकते हैं. अब जो टर्टल्स फिशेज हैं वो तो लाइट के सिग्नल्स पे चलती हैं, लाइट के सिग्नल्स के हिसाब से काम करते हैं. अब इन टर्टल्स को थोड़े ना पता है कि ये लाइट ऐसी है, रख दो इसको, सूर्य की लाइट नहीं है. वो लाइट की तरफ भागे चले जाते हैं, उनको लगता है अरे दिन निकल गया. उसी तरह से बहुत सारे जो जानवर हैं वो रात को सो ही नहीं पाते, क्योंकि जब तक लाइट जलती रहती है उनको नींद ही नहीं आती. वो टहलते रहते हैं, मतलब उनको लगता है खाना ढूंढो, खाना ढूंढो, खाना ढूंढो. सो नाउ दिस हैज क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर एनिमल्स इन द फॉरेस्ट एरिया स्पेशली. एंड सच ओवर एक्सपोजर ऑफ लाइट वेयर इट शुड नॉट बी यूज्ड इज नोन एज लाइट पॉल्यूशन. तो जो चीज जहां पे जरूरी नहीं है वो वहां के लिए क्या बन जाती है? पॉल्यूशन. तो उन्होंने बताया कि भाई लाइट पॉल्यूशन से बहुत ज्यादा खतरे होते हैं, जैसे इकोसिस्टम, ह्यूमन हेल्थ, कल्चर, इन सब पे डिक्लाइनिंग इफेक्ट आता है. इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है. इंसेक्ट्स देखा है वो मक्खी मच्छर लाइट के आसपास घूमते रहते हैं. अब पूरा ही दिन लाइट जल रही है, 24 घंटे घूमते रहेंगे और एग्जॉशन से अब उनके लिए तो कभी रात हो ही नहीं रही. ये तो हम लोग रैशनल लोग सोच पा रहे हैं ना कि लाइट हो, और वो तो बेचारी लाइट भी बंद नहीं कर सकती. सो इट इज लाइक दैट. तो अगर लाइट पॉल्यूशन आएगा तो क्वेश्चन आएगा तो हम कर सकते हैं, समझ सकते हैं. ओके. लीफ पैटर्निंग सिस्टम इन अर्ली प्लांट्स डिफर फ्रॉम लिविंग स्पीशीज. अगेन अ साइंस और एनवायरमेंट क्वेश्चन. लीफ का पैटर्न क्या होता है वो जब आप लोग बायोलॉजी पढ़ोगे उसके अंदर आ जाएगा कि कैसे कैसे लीफ के पैटर्न होते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ठीक है, हल्का सा अंदाजा होना चाहिए. स्ट्रेस ईटिंग लिंक. क्या है स्ट्रेस ईटिंग लिंक? जब जब एग्जाम का प्रेशर आता है कौन खूब खाने लगता है? चिप्स भी आने दो, फ्रेंच फ्राइज भी आने दो, जो भी है बस मम्मी दे दो फटाफट. दैट्स स्ट्रेस ईटिंग. तो अगर पतला होना है तो क्या करना है? स्ट्रेस कम करना. स्ट्रेस ज्यादा रहेगा तो खाना ज्यादा खाया जाएगा. वो उस लिंक को एस्टैब्लिश करता है कि जिन लोगों को पतला होना है सिर्फ उनके लिए इंपॉर्टेंट है. यूपीएससी में कुछ इंपॉर्टेंट है क्या इसका? ज्यादा नहीं. ओके नेक्स्ट. हाउ कैन इंडिया टैकल इट्स डायबिटीज बर्डन? डायबिटीज क्या है? शुगर. What else? इंडिया के अंदर बहुत लोगों को डायबिटीज हो रही है. हाउ मेनी ऑफ योर पेरेंट्स हैव इट? हाउ मेनी ऑफ योर रिलेटिव्स ऑल्सो हैव इट? क्लोज रिलेटिव्स. लगभग सभी के घर में मतलब डायबिटीज का एक ना एक पेशेंट तो है.
नाउ ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसको पढ़ने के लिए एक स्ट्रैटेजी चाहिए, क्योंकि सीधा डायबिटीज पे क्वेश्चन आए अनलाइकली है ना, क्योंकि यूपीएससी एक आर्टिकल को उठा के तो क्वेश्चन पूछ नहीं लेगी, लेकिन इससे जो हमें कंटेंट मिलेगा हम उसे यूज करेंगे। तो शुरुआत में तो आप इसको ऐसा का ऐसा पूरा पूरा पढ़ोगे, पढ़ना भी चाहिए शुरुआत में, लेकिन जैसे जैसे आप सीजन्ड होते जाओगे, सीजन्ड मतलब आपको नॉलेज होती जाएगी, तो अब आप इसको कैसे प्लेस करना स्टार्ट करोगे कि भाई डायबिटीज कहाँ आती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल कैसे, कोई किसी को अपनी डायबिटीज दे सकता है क्या? लोग एक दूसरे को कोरोना दे रहे थे ना, तो कोरोना कैसा था? कम्युनिकेबल। कैंसर दिया जा सकता है क्या? कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस लाइक भाई मेरे हार्ट में ना वो हो गया है, क्या कहते हैं, ब्लॉकेज हो गई, तो थोड़ी तुम ले लो आदि आदि बात, नहीं हो सकता। तो यानी कि जो भी डिजीज कम्युनिकेट नहीं हो सकते वो क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। और जो कम्युनिकेट हो सकते हैं वो क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज। डायबिटीज क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो क्वेश्चन अगर आएगा तो किस पे आएगा? बड़े बड़ी चीज पे। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू आर द चेंजेस दैट इंडिया शुड मेक इन देयर लाइफस्टाइल टू इम्प्रूव मोर्टैलिटी एंड और टू यू नो टू काउंटर द मोर्टैलिटी अंडर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। भाई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से इतने लोग मर रहे हैं, कैसे इंडिया उनको बचा सकता है, क्या करे? तो पहले बताना पड़ेगा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या है, कौन कौन सी होती है, कितने परसेंट लोगों को होती है, कितने लोग इससे मर जाते हैं, और फिर बताना पड़ेगा कैसे ठीक किया जा सकता है, क्या स्कीम्स हैं, क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं। तो जब हम इसके अंदर पढ़ेंगे तो इसके अंदर से हम लोगों को कुछ डेटा मिलेगा, डेटा जो हमारे लिए बाद में इस आंसर में काम आएगा, ठीक है? तो हम छोटी सी इतना सा नोट्स बनाएंगे, अगर बनाएंगे भी तो डायबिटीज के बहुत बड़े नोट्स, पूरा पन्ना बना देंगे क्या? लिखना ही नहीं है जब पूरा पन्ना, तो पूरा पन्ना क्यों बनाएंगे? तो छोटा सा क्या बनाएंगे, सीधी बात पढ़ेंगे कि भाई बहुत लोगों ने पाया, इन्होंने रिपोर्ट करी, इन्होंने कुछ रिसर्च करी और पाया कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज इंडिया में बहुत बढ़ गई हैं, और अगर डेटा देखा जाए तो 11% पॉपुलेशन में, यानी इंडिया में 11% पॉपुलेशन के लोगों को डायबिटीज है और 15 प्री डायबिटिक। 15% क्या है? प्री डायबिटिक। प्री डायबिटिक मतलब एकदम थ्रेशहोल्ड पे होने वाले हैं डायबिटिक, अगर उन्होंने कंट्रोल नहीं किया अपना शुगर कंजम्पशन तो डायबिटिक हो जाएंगे। तो यानी 11% ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या हो गया? इट्स अ बिग नंबर। यानी कि अगर हम देखा जाए तो लगभग 10 करोड़ लोग इंडिया के अंदर डायबिटीज से लड़ रहे हैं, डायबिटीज उनको हो चुकी है, और 15 करोड़ लोग क्या हैं? प्री डायबिटिक लगभग। समझ में आ रहा है? तो अब इसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे डायबिटीज क्यों हो जाती है? शुगर खाने से बहुत ज्यादा, और एक्सरसाइज ना करने से, बैठे रहने से। तो अगर ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा? एक्सरसाइज करो, मीठा कम खाओ और सेडेंटरी लाइफस्टाइल मत रखो। सिंपल, योगा करो, दौड़ो भागो, है ना, स्टेयर्स लो, यही सब कार्यक्रम है। और अगर डायबिटीज हो चुकी है तो दवाइयां टाइम पे लो। ऐसे नहीं सुना कि जिनके डायबिटीज हो जाती है कि भाई मल्टीग्रेन रोटी खाओ, क्यों खाओ मल्टीग्रेन रोटी? फाइबर, फाइबर इंक्रीजेस शुगर लेवल डिक्रीजेस। वही लिखना है इसमें, पढ़ के पढ़ लो और अपनी दादाजी और नाना जी से और इन सब बातें करके समझ लो, एक ही बात है, ठीक है? यही ये बताएंगे कि भाई ये इसके अंदर कुछ काम का नहीं है बाकी, लेकिन जो काम की बातें थी वो हमने देख ली कि भाई डायबिटीज होती क्या है, कितने परसेंटेज लोगों को है, और डायबिटीज से हो क्या जाता है, क्या 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 कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, वूंड्स डोंट हील। जिनके डायबिटीज है अगर उनके कोई जख्म हो जाए या कोई इन्फेक्शन हो जाए आसानी से ठीक, दे गेट टायर्ड इजली, बहुत जल्दी थके थके रहते हैं, हमेशा परेशान से थके से रहते हैं, और ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस हो जाती है बिल्कुल, और
फ्रिक्वेंट यूरिनेशन और सारी लाइफ प्रोसेसेस पे असर पड़ता है, पूरे शरीर पे असर पड़ता है, क्योंकि जब शुगर फ्लक्चुएट करती है तो बॉडी के सारे ऑर्गन्स पे असर पड़ता है। यही बात यहाँ लिखी है, तुम लोगों ने बता दी, लिखी भी है, पढ़ सकते हैं कि क्या क्या होता है और ठीक क्या कर। और इसमें दो बातें और बताएंगे कि कई बार हम लोगों को ऐसा लगता है कि नॉर्थ ईस्ट में डायबिटीज कम होगी कि ज्यादा होगी। नॉर्थ ईस्ट में भी बढ़ रही है, जबकि वहां की लाइफस्टाइल और फूड को हम बहुत अच्छा मानते हैं। रूरल में ज्यादा होगी कि अर्बन में ज्यादा होगी डायबिटीज? अर्बन में ज्यादा होगी, वो भी परसेंटेज इन लोगों ने लिखी हुई है कि भाई अगर हम देखें तो अर्बन में ज्यादा है, रूरल में कम है। तो कुल मिला के इसमें से हमें काम की इंफॉर्मेशन कितनी निकालनी है? सिर्फ पहली चीज, डायबिटीज होती क्या है, किस में आती है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आती है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और कौन से होते हैं ये पता करना है। कितने परसेंटेज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं इंडिया के अंदर, मतलब कितना परसेंटेज लोग अगर डिजीज से मरते हैं तो नॉन कम्युनिकेबल से कितने परसेंट मरते हैं? 75। मेजॉरिटी लोग नॉन कम्युनिकेबल से मर रहे हैं, लेकिन हमारा सारा ध्यान किस पे? क्योंकि डायबिटीज को लोग बीमारी मानते ही नहीं। तो ये इसकी तरफ ध्यान जाना चाहिए गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट का ध्यान जाना चाहिए तो वो ध्यान किसका लेकर आएगी? फ्यूचर ऑफिसर्स का। तुम्हें नॉन कम्युनिकेबल क्यों होना, हटाना चाहिए, कैसे हटा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो गया टॉपिक। तो डायबिटीज का कितना सा पोर्शन है उसमें? छोटा सा, लेकिन उसने हमें टॉपिक तक पहुंचा दिया। ओके, फिर आया व्हाट इज इंडिया यूएस इनिशिएटिव ऑन फ्यूचर टेक्नोलॉजी। इंडिया और यूएस क्या कोलैबोरेशन कर रहे हैं फ्यूचर टेक्नोलॉजीज पे? फ्यूचर टेक्नोलॉजीज कौन सी है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यस, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, टेक्नोलॉजिकल वॉर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। अभी तो पढ़ा था पीछे ही, अब यूज नहीं करोगे? देखो, कम पढ़ो लेकिन यूज करो। ज्यादा पढ़ के बिना यूज के वो लोग हो जाते हैं जो सेलेक्ट नहीं होते। जो बहुत पढ़ते हैं ना, बहुत ज्यादा, वो मुझे उनका डर लगता है। जो लिमिटेड पढ़ते हैं लेकिन यूज सब करते हैं, श्योर शॉर्ट वे ऑफ सिलेक्शन। तो मेरा तो पूरा ध्यान जो रहता है वो ये बात पे रहता है कि तुमने यूज क्या क्या किया। पढ़ा ठीक है, बट इफ यू हैव नॉट यूज्ड, नो पॉइंट। ओके, तो जब आप इसको पढ़ोगे तो बताइए, यहाँ पे पता चलेगा कि एक इनिशिएटिव है क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे, जो इंडिया और यूएस जहाँ पे मिलके कोलैबोरेशन में टेक्नोलॉजीज बना रहे हैं। कौन सी टेक्नोलॉजीज बना रहे हैं? वो बना रहे हैं हमारा वॉरफेयर, डिफेंस, AI, ये सारी चीजें बना रहे हैं। 5G, 6G, है ना, ओपन रैन नेटवर्क। अब ये 6G क्या है? 5G तो पता था, ये 6G क्या है? क्या करोगे? 6G, डिफरेंस बिटवीन 5G एंड 6। ये ओपन रैन क्या है? ओपन रैन नेटवर्क टेक्नोलॉजी इन इंडिया। कुछ नई टेक्नोलॉजी है जो बाद में आएगी, जब UPSC क्वेश्चन पूछ लेगा उसके बाद लोग कहेंगे कि अरे यार ये तो पता नहीं कौन सी नई टेक्नोलॉजी पूछ ली। न्यूज़पेपर में है ना, सर्च कर लो क्या है, किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे एक दो इनिशिएटिव्स के नाम है, लेकिन वो हमें कब समझ में आएंगे? जब हम IR के बेसिक्स पढ़ लेंगे। कुछ चीजें समझ ना भी आए शुरुआत में तब भी पढ़ो, क्योंकि हमें नहीं पता बाद में जाके कब वो डॉट्स कनेक्ट होंगे, है ना। यू रीड 1 न्यूज 2 न्यूज 3 न्यूज, आफ्टर 15 डेज सडनली यू विल रियलाइज कि अच्छा हाँ, अच्छा ये बात थी, अच्छा ये कहानी थी। समझ आता है ना? जैसे तुमने कभी शादियों में गए होंगे तो बुआ से बात करी, उन्होंने कुछ और बताया, बुआ मौसी से बात करी, उन्होंने कुछ और बताया, चार लोगों से बात करी, सबने अलग अलग कहानी बताई, फिर तुम्हें रियलाइज होता है बैठते हो, अच्छा ये था पूरा मसला। तो उसी तरह न्यूज है कि अलग 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 लोग, अलग 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 तरह से पता चलेगा, लेकिन अंत में डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे। तो समझ ना भी आए तो भी पेशेंस रखो, डरना नहीं है, पढ़ते रहना है। One day it will make sense. Okay.
व्हाट डज अलीस्ट कोविन डेटा लीक रिवील्स? कोविन डेटा क्या है? कोविन पोर्टल, किस किसने कोविन पोर्टल पर रजिस्टर कराया था? क्यों, बाकी उन्हें वैक्सीन नहीं लगवाई है? लगवाई है ना सबने वैक्सीन, कोई बिना वैक्सीन के तो नहीं बैठा। मैं कहीं हमारी जान को खतरा बन जाओ। तथास्तु, तथास्तु बोल दे। कोविन पोर्टल, गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बनाया, उन्होंने कहा कि भाई इतनी बड़ी जनता है, सबकी वैक्सीनेशन लगनी है, तो हम लोगों को क्या चाहिए? प्रॉपर इंफॉर्मेशन ट्रैकिंग एंड सर्टिफिकेशन। सो व्हाट वाज कोविन पोर्टल? इट यूज्ड टू कलेक्ट डेटा ऑफ पीपल हु आर रजिस्टरिंग फॉर वैक्सीनेशन, देन ट्रैकिंग द वैक्सीनेशन, कहां कौन सी वैक्सीन कौन से सेंटर में कहां पहुंची, फिर कितने लोगों को वैक्सीन लग गई, पहली डोज लग गई कि दूसरी डोज लग गई कि तीसरी डोज लग गई, सबको मैसेजेस के थ्रू इंफॉर्मेशन आती थी, योर सेकेंड वैक्सीनेशन इज पेंडिंग, प्लीज गो टू योर नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर एंड गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड फॉर कोविड, ऐसे आता था, तो ऑटोमेटिक मैसेजेस भेजती है ये। और फिर जब किसी ने इंजेक्शन लगवा लिया तो अपनी इन्वेंट्री से, जहां उसके पास लिखा होता है कि मेरे पास 10 लाख वैक्सीन है, तो वो क्या करती है, एक वैक्सीन माइनस कर देती है वहां से, और इसके नाम पे रजिस्टर कर देती है कि भाई इसने वैक्सीन, कि भैया एक्स बंदे ने वैक्सीन लगवा ली, और उस व्यक्ति को सर्टिफिकेट भी दे देती है। तो ये सब काम इस प्लेटफॉर्म का है। अब ये प्लेटफॉर्म पे कितने लोगों का डेटा होगा? ऑलमोस्ट, और लगभग इंडिया के अंदर सब लोगों ने वैक्सीन लगवाई ली, ऑलमोस्ट अ बिग नंबर इज देयर। सो दिस मीन दिस इज अ ह्यूज डेटा। एसएमएस भेजना था तो फोन नंबर भी होंगे, और क्या क्या होगा, आधार कार्ड नंबर भी होगा। सोच रहे हो कितनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। अब ऐसा समझो कि मैं आपका आधार कार्ड फोन नंबर यहाँ पे चिपका दूं सबके देखने के लिए फोटो के साथ, यहाँ पे चिपका दिया तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन राजेंद्र नगर के जो वो एकदम एंट्री वाला एरिया है वहां पे बोर्ड पे लगवा लूं तो क्या प्रॉब्लम होगी? स्कैमर्स कैन यूज इट, है ना? सपोजेडली वो आपके फोन पे एक वो बना के भेजे सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी थेफ्ट भी हो सकता है, आपका ही आधार कार्ड पे फोटो चेंज करी और यूज कर लिया, बहुत कुछ करा जा सकता है। Would you want your personal details to be out? No. So this means if this data from Cowin app was breached or leaked, तो ये किस चीज में खनन है आपका, किस चीज का हनन है? Privacy. We all are private people. We don't want our private information to be out for everybody. Now there were two instances recently which happened. ये news में बताता है, पढ़ लेना जाके, आज पढ़ोगे ना जाके, सबके पास कल का न्यूज़पेपर तो है ही, है ना? आज जाके पढ़ना तो उससे ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी है कौन सी छोड़नी है। तो इसमें वो बताता है कि इससे पहले भी दो इंस्टांसेस लीक के हो चुके हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने कहा नहीं नहीं हमारी तरफ से कोई लीक नहीं हुआ है, देयर हैज बीन नो लीक फ्रॉम आवर साइड, बट दिस टाइम देयर वॉज अ बॉट ऑन टेलीग्राम। बॉट क्या होता है? It's a kind of a technological tool, you know. Now there was some bot on Telegram which has leaked a lot of information from Cowin portal. और Telegram तो हमें सबको पता है, free material का बादशाह है, है ना? तो यहाँ पे भी जो ये free private information घूम रही है, अब scammers इसका use कर सकते हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट वाले कर सकते हैं, साइबर बुलिंग वाले कर सकते हैं ना, बहुत अलग अलग तरीके से इसका यूज हो सकता है। क्या इस यूज को इसको यूज करके
किसी भी तरीके से इंसान को मैनिपुलेट भी किया जा सकता है, किया जा सकता है। पहला मैसेज आया, क्या नाम है? लक्ष्य। पहला मैसेज आया, लक्ष्य यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर दी, हाँ यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द केबीसी, प्लीज प्लीज कंफर्म दैट इट इज योर ओन नंबर, यू हैव बीन सेंट अ ओटीपी। लक्ष्य ने कहा, अरे मेरे को केबीसी के लिए चूज कर लिया, अगला करोड़पति मैं। और सीधा ओटीपी डाला, बैंक अकाउंट खाली। अब उसको लगा क्या, मेरा नाम पता है, इन्हें लक्ष्य पता है, इन्हें मेरा फोन नंबर भी पता है, और इन्हें ये भी पता है कि मेरा आधार कार्ड क्या है। हमें नहीं करना भाई, बिल्कुल नहीं करना। ये पूछ रहे हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि गवर्नमेंट सच बोल रही है झूठ बोल रही है। हम होते कौन है गवर्नमेंट को जज करने वाले? जो गवर्नमेंट कह रही है हम क्या करेंगे? इट्स ओके, गवर्नमेंट का ओपिनियन ये है, ये किसी प्राइवेट व्यक्ति ने लिखा है तो उसका ओपिनियन ये है। हमें मुद्दों पे बातें करनी है, वी आर नॉट इन द सीट ऑफ जज। अगर खुद सरकार आए, है ना, ऐसे समझो कि खुद तुम्हारे पास मिनिस्टर चलकर आए और बोले तुम बताओ कि ये लीक हमने किया है या किसी और ने किया है, तब भी तुम्हारा जवाब क्या होना चाहिए? ये तो डेटा देख के इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा, क्योंकि बिना इन्वेस्टिगेशन के आप क्या बता सकते हो कहां से लीक हुई है? कुछ पता है क्या, कॉन्क्रीट है तुम्हारे हाथ में, कोई एविडेंस है? और बिना एविडेंस के कौन ओपिनियन देता है? ट्रेन के चाचा जी, ऑफिसर नहीं देता कि पहले इन्वेस्टिगेशन होगी फिर हम ओपिनियन दे पाएंगे कि भाई किसकी गलती थी। हमने बोल दिया सरकार तो झूठी ही होती है, सरकार ने ही लीक किया होगा, पता चले कहीं और से कुछ गड़बड़ थी, सरकार को एवं फालतू में एक्यूज करे पड़े हैं हम लोग। नेवर, वी आर नॉट जजेस, वी हैव टू बी वेरी न्यूट्रल इन आवर स्टैंड, वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। आंसर्स में भी ऐसे ही लिखना है हमेशा, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। दैट इज वाई आंसर राइटिंग इज अ स्किल स्पेशली फॉर एन ऑफिसर, वो ऐसा होना चाहिए जिसमें मुद्दे पे बात हो सीधा। ओके, तो ये जो लीक हुआ ये इनमें इसका इस आर्टिकल में पर्टिकुलर, देखो आर्टिकल से बहना नहीं है कभी भी, यू डोंट हैव टू राइट द लैंग्वेज ऑफ आर्टिकल, बिकॉज यहाँ पे आर्टिकल पढ़ोगे एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन के साथ है, जैसे लेफ्ट ओरिएंटेशन कह देते हैं कभी कभी कि सरकार की बुराई करना फक्र की बात है यहाँ पे, और थोड़ा सा राइटिस्ट वाला न्यूज़पेपर पढ़ लोगे तो वो क्या कहेंगे, गवर्नमेंट ने सब कुछ सही करा है, गवर्नमेंट तो कभी गलत हो ही नहीं सकती। तो उन दोनों के बीच में कहीं हमारा ओपिनियन होना चाहिए कि गलती कर भी सकती है लेकिन ये मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स होने चाहिए कुल मिला, ठीक है। सो यहाँ पे वो जो ब्रीच हुआ है वो क्यों हुआ है, तो इन्होंने बताया कि भाई जो कोविन का पोर्टल था वो कहीं ना कहीं होस्ट करना पड़ता है ना, वो जो होस्टिंग वाला एरिया है वो क्या है, वो जैसे माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर हो गया या फिर अमेज़न का वेब सर्विसेज हो गया AWS, ये वाले एरियाज हैं जहाँ पे ये होस्ट करे जाते हैं। तो ये जो AWS अमेज़न वाला जो पोर्टल है या फिर जो एज्योर है माइक्रोसॉफ्ट का, ये लोग बड़े सिक्योर हैं, इनके अंदर फुल साइबर सिक्योरिटी है, लेकिन जिन एप्स के थ्रू डेटा लिया गया, भाई भरवाया गया था ना तुमसे डेटा, जिन एप्स के थ्रू लिया गया, जिन थर्ड पार्टीज के थ्रू लिया गया, वो सिक्योर नहीं थे, वो पुराने टाइप के सिस्टम है। तुमने देखा जब तुम वैक्सीन लगवाने गए थे कैसा कंप्यूटर था जहां पे इंफॉर्मेशन डाली जा रही थी, हाईटेक कंप्यूटर था क्या कोई नॉर्मल? जिन फोन से डाली जा रही थी वो कैसे थे, नॉर्मल एंड्रॉयड फोन्स, है ना, कोई हाईटेक गैजेट था क्या? तो यानी जो ये छोटे छोटे सिस्टम थे जिन्हें लेगेसी सिस्टम बोला गया है इसमें। अब तुमने जैसे ही टर्म पढ़ा लेगेसी सिस्टम, कैसे सर्च करोगे इंटरनेट पे जाओगे कि भाई लेगेसी सिस्टम होता क्या है, देखा बाहर आ गए बस।
तो इन पुराने एप्स, थर्ड पार्टी और इन सिस्टम्स के कारण जो लीक हो सकता है। तो उनका एक्सप्लेनेशन ये है कि हम लोगों को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की जरूरत है, हमें बड़े हाईटेक टाइप की टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए ताकि हमारा डेटा लीक ना हो। और क्या जरूरत है? डेटा प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत है। डेटा प्रोटेक्शन एक्ट मतलब भाई डेटा इतनी बड़ी चीज हो गई है आजकल, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई कानून होना चाहिए कि भाई इतना डेटा अगर किसी ने लीक किया तो उसकी ये सजा है, ऐसे इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। कोई भी क्राइम है अगर तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, किसने किया, क्यों किया, क्या सजा है, ये सारी बातें इसमें आएंगी। तो हमें ये लॉ लेकर आना चाहिए। तो इससे क्वेश्चन क्या बनेगा मेंस में? There have been numerous instances of data breach, which has led to erosion of right to privacy. Now, India must work on data protection bill or act. तो यहाँ पे तुम डेटा ब्रीच बताओगे, उससे क्या परेशानी होती है? Example, COVID data breach. Then डेटा प्रोटेक्शन बिल क्या है, क्यों चाहिए और क्या होना चाहिए, पूरी कहानी। ठीक है, ओके। बैंकिंग ऑन चाइना, देख रहे हो एक न्यूज़पेपर के अंदर कितना कितनी इंफॉर्मेशन आती है। शुरुआत में अगर पूरा दिन भी लग जाए, पूरा दिन मतलब कम से कम 6-7 घंटे, तब भी कम लगेंगे शुरुआत में, क्योंकि शुरुआत में चीजें नहीं पता है। लेकिन एक बार अब डेटा ब्रीच पता चल गया, कोविन पता चल गया, तो कल आएगा तो फिर दोबारा दोबारा पढ़ोगे क्या? फिर वही वही टॉपिक्स पढ़ेंगे हम जो इंपॉर्टेंट होंगे। फिर हमारा आया बैंकिंग ऑन चाइना, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, क्या है ये? अब अगेन, अब आपने स्टैटिक नहीं पढ़ा है इसलिए प्रॉब्लम है, लेकिन जिन्होंने स्टैटिक पढ़ा है उन्होंने आईआर में इसके बारे में पढ़ा है। क्या वोटिंग, ये क्वेश्चन आ चुका है इससे, एशियन इन्वेस्टमेंट बैंक से, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में प्रीलिम्स में आ चुका है कि इसमें क्या सिर्फ एशिया की कंट्रीज है या दूसरी कंट्रीज भी है। पास्ट ईयर क्वेश्चन देखोगे तो मिल जाएगा, जब आपने पास्ट ईयर के क्वेश्चन एनालाइज कर रखे हैं तो आपको पता है ना ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ये वोटिंग राइट्स वाले कि किसका कितना वोटिंग राइट है। यहाँ पे चाइना के पास 26% वोटिंग राइट्स है। ये बैंक बनाया है एशिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, सारे देश मिले, उन्होंने कहा कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होगा वो इस बैंक से लोन ले और अपना काम कर ले। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा वोटिंग राइट्स किसके पास है? चाइना के। दूसरे किसके पास है? इंडिया के पास। लेकिन फिर भी चाइना के पास कितने है? 26%। वो इकोनॉमी से समझ में आएगा कि 26% किसी के पास शेयर्स होते हैं तो क्या मतलब है उसका। मतलब शेयर सुना है, मूवी में देखा होगा तुम लोगों ने, तुम लोग तो मूवी वाले हो वहां से समझते होंगे कि किसी ने किसी के शेयर्स खरीद लिए तो अगर वो मालिक बन के बैठ जाता है ना, उन्होंने ऐसा कहा किया। हाँ ऐसी कोई मूवी, अरे तुमने वो वाली मूवी देखी होगी, मैं बताती हूँ, धड़कन मूवी थी अक्षय कुमार की और सुनील शेट्टी की, अक्षय कुमार ओनर था लेकिन शेयर्स वेयर्स कुछ खरीद ले सुनील शेट्टी ने धोखे से कैसे भी, तो मालिक कौन बन गया, समझ में आ गया? तभी तो उसको लेके मूर्ति वूर्ति लेके शिल्पा शेट्टी को जाना पड़ा था। तुम लोग वहीं से समझ पाते हो, मतलब प्रॉब्लम ही है। तो एकदम धड़कन वाली मूवी तक मुझे अपना लेवल लेकर आना पड़ रहा है समझाने के लिए शेयर्स। तो ये जब इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि शेयर्स कितने परसेंट पे, कितना परसेंट पे क्या क्या डिसीजंस कंपनीज ले सकती हैं। तो कुल मिला के चाइना के पास वोटिंग राइट्स है, तो चाइना इससे कौन सा कॉरिडोर बनवा रहा है? CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये इंडिया है, ये हमारा कश्मीर, ये समझो पाकिस्तान और ये चाइना। यहां से
एक इकोनॉमिक कॉरिडोर वो पास करवाना चाह रहा है. दिस इज पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर. अब वो हमारे यहां से अगर एक इकोनॉमिक कॉरिडोर पास कराने की कोशिश करेगा तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? पहली बात, सॉवरेनिटी, मालिकाना हक. ऐसे समझो तुम्हारा घर है ना, तुम्हारा घर एक एरिया था, बीच की वो थी क्या कह लो, जहां से सीढ़ियां थी है ना, जहां पे वो भी जाते थे तुम भी जाते थे, ऐसा था. और उन्होंने कहा एक काम करते हैं, तीसरे पड़ोसी को बुला के यहां पर उनका कमरा बनवा देते हैं. अलाउ करोगे? क्यों नहीं करोगे? तुम्हारा घर है, सॉवरेनिटी का इशू. तो इंडिया इस सीपीईसी को बनने देगा? अलाउ नहीं करेगा ना, मतलब उसके लिए तो सॉवरेनिटी का इशू है. और क्या प्रॉब्लम है? यहां से ट्रेड होगा, इंडिया उसका पार्ट नहीं होगा. दूसरा, टेररिज्म बढ़ सकता है. हाँ, बहुत कुछ करा जा सकता है. अब इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक है, वो भी आप आईआर में पढ़ोगे. तो ये जो चाइना और पाकिस्तान ये जो कर रहे हैं, इसके अंदर से चाइना ने क्या कहा कि भैया ये वाला जो है ना, ये हम एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से फंड करवा देते हैं. अब उसके पास 26% राइट्स है, तो चलेगी तो चाइना की, लेकिन इंडिया इसका मेंबर है. तो हमने खूब रेजिस्टेंस इसको शो किया कि भाई हम नहीं डालेंगे पैसा, तो हमारी सॉवरेनिटी के खिलाफ है. मतलब मेरे से ही पैसा लेके मेरे ही घर में तुम किसी तीसरे का घर बनवा दो, है ना? ये तो मतलब एकदम ही गलत बात है. तो चाइना अपनी हेकड़ी हर जगह जाके जमाता है, है? इंडिया के साथ तो चल ही रहा था, ऐसा ही उसने कैनेडा के कुछ केसेस में भी कर दिया. तो वहां का जो लोग थे जो उस इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के अंदर काम करते थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया. उन्होंने कहा हमें काम ही नहीं करना चाइनीज लोगों के साथ, ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक नहीं है, ये चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है. तो ऐसा कह के उन्होंने विड्रॉ कर लिया. तो यहाँ पे इस पूरे आर्टिकल में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में बताया है, क्या गड़बड़ हो रही है, कैसे चाइना डोमिनेट कर रहा है, इन सब विषयों में बात है. इसको इस आर्टिकल से पढ़ा जा सकता है, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जो सारे बढ़िया से कोचिंग वाले बढ़िया नोट्स बनाएंगे. तो वी विल यूज दैट, है ना? वी विल आल्सो गिव यू अ टॉपिकल एनालिसिस. सो व्हाई टू रीड इट फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, पर नॉलेज के लिए एक बार मुझे लगता है कि पढ़ लेना चाहिए. इससे आपकी नॉलेज इनहेंस होगी, राइटिंग के अंदर डेप्थ आएगी. ओके, फ्रॉम विलेन टू एंटी हीरो पढ़ेंगे क्या? पता नहीं कौन विलेन कौन एंटी हीरो, ज्यादा नहीं. फाइट फॉर लैंड एंड आइडेंटिटी, कौन सा आ गया फिर से ये? मणिपुर पढ़ेंगे क्या? एक बार टॉपिकल पढ़ेंगे, खत्म, बार बार नहीं पढ़ेंगे. टेक्सटाइल अपैरल एक्सपोर्ट डिक्लाइन, बस पता होना चाहिए कि भाई कपड़ों का जो एक्सपोर्ट है हमारा कम हो रहा है, ज्यादा कुछ नहीं. ये कोई प्राइवेट कंपनी है, कुछ नहीं. इंडियन ऑटो कंज्यूमर कीन और इनोवेटिव, इंपॉर्टेंट. ओएनजीसी चीफ सीज रशियन ऑयल मेकिंग अप 30% ऑफ इंडियाज इंपोर्ट्स दिस ईयर. रशिया से अभी हम पहले 2021-22 तक सिर्फ 2% ऑयल इंपोर्ट करते थे, अब बढ़ के वो 20% हो गया. 2% करते थे, अब कितना हो गया? 20%. और 23-24 में आइडिया इज कि कितना हो जाएगा? 30%. क्यों हो रहा है ऐसा? रशिया सस्ता ऑयल दे रहा है, सस्ता तेल दे रहा है. क्यों दे रहा है? क्यों दे रहा है भाई? रशिया में और यूक्रेन में हो गया वॉर, पता है ना सबको? कोई ऐसा तो नहीं जिसे रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में नहीं पता, पता है ना? तो रशिया, और न्यूज ही देख लिया करो, उसमें तो वो बम बम उड़ते उड़ते दिखा देते हैं, है ना? तो रशिया और यूक्रेन में हो गया वॉर, और जो वेस्ट यानी कि पश्चिमी देश यानी कि
यूएस, यूके, फ्रांस, ऑल दीज कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, वो हो गई रशिया से नाराज। उन्होंने कहा ऐसे कैसे कर दिया तुमने, ऐसे वॉर कर दिया। तो उन्होंने कहा हम तुम्हारा तेल नहीं खरीदेंगे, वी विल नॉट बाय ऑयल फ्रॉम यू। तो रशिया ने कहा ठीक है यार, मैं सस्ता करके कहीं और भेज देता हूँ, हमें तो सस्ता तेल चाहिए था इंडिया को, तो हमने क्या किया, ले 2% ले दे, 20% ले लिया, और अब हम 30% तक भी लेंगे, क्योंकि हमारे लिए तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे लिए ये डेटा हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हम आईआर में भी यूज कर सकते हैं। अगर डिप्लोमेसी पे बात होगी कि भाई इंडिया रशिया के रिलेशंस, ऑयल सैंक्शंस, इंडिया रशिया यूक्रेन वॉर पे कभी बात होगी, तो हर जगह ये वाला डेटा यूज आ सकता है ना, कि और हमें इससे पॉलिसी भी पता चलती है कि यार हम जो तेल है वो जब चाहे जिस एक इंटरनेशनल इवेंट के कारण ऑयल प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं, ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल इवेंट, वॉर हुआ रशिया यूक्रेन में, तेल के प्राइसेस कहाँ घट गए, इंडिया में। अब जैसे ही प्राइसेस घटेंगे तो ये बोतल सस्ती होगी कि महंगी होगी, गेहूं सस्ता होगा कि महंगा होगा, सस्ता क्यों, ट्रांसपोर्टेशन सस्ती हो गई, इकोनॉमी पे असर आ गया भाई, जैसे ही पेट्रोल सस्ता हुआ ट्रक सस्ता हो गया, ट्रक सस्ता हुआ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सस्ती हो गई, तो सब जगह एकदम इफेक्ट आ जाएगा इकोनॉमी पे, इन्फ्लेशन कम होगा कि ज्यादा होगा, कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, ठीक है, इफेक्ट समझ में आ रहा है कि कहां से क्यों आईआर पढ़ना भी हमारे लिए जरूरी है। ओके, इसके बाद प्रॉपर्टी डीलर्स के पता नहीं क्या बोल रहे हैं, स्किल बढ़ाओ, जापान टू ओपन, बेकार बेकार, ये सब तो पढ़ना ही नहीं है, है ना। तो इस पेज में कितना पढ़ना था हमें, 4-5 लाइन है ये, मतलब चलो ये आर्टिकल मान लो और ये लाइन एक खत्म। फिर आया देखो, जिसको बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो करो, वरना सिर्फ और सिर्फ कोई बहुत बड़ी न्यूज आ जाए, भाई इंडिया वर्ल्ड कप ही जीत गया, है ना, इंडिया का कोई वर्ल्ड चैंपियन बन गया कोई स्पोर्ट्स पर्सन, है ना, तब हम उस बात को पढ़ेंगे, नहीं तो इनसे क्वेश्चंस बनता नहीं है, तो हम इनको छोड़ देंगे। फिर आया सेक्रेड स्पेसेस, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, ट्राइब्स वाला जो हमारे क्वेश्चंस है वहां के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या बताता है कि तमिलनाडु की कुछ ट्राइब्स हैं जिनके लिए, ट्राइबल, ट्राइबल लोग कौन होते हैं पहले तो तुम लोग मुझे बताओ बच्चों, कौन होते हैं ट्राइबल, जिनके नहीं रिचुअल्स, तो यार क्रिश्चियंस के भी अलग हैं, हुआ लोकेटेड, हुआ लोकेटेड आउटसाइड ऑफ सिटीज, लेकिन लोग तो गांव में भी रहते हैं। देखो तुम लोग सोच रहे हो, तुम अपने अपने ही बातों में फंस रहे हो। हाँ और बताओ, दे हैव नॉट चेंज्ड ओवर टाइम, दादाजी भी चेंज नहीं हुए हमारे, दे हैव नॉट चेंज्ड ओवर लाइफस्टाइल, दे हैव आल्सो नॉट चेंज्ड, दादाजी अभी भी धोती पहन रहे हैं या बहुत सारी चीजें कर रहे हैं ना, वो वैसे ही सुबह उठ के दांतुन कर रहे हैं, तो वो आदिवासी हो गए, जंगल में रहते हैं, नेचर के साथ क्लोजली रहते हैं, ठीक है। जब हम ट्राइब्स पढ़ेंगे तब ट्राइबल के बारे में जानेंगे ज्यादा, लेकिन अभी के लिए यही मान लो। सो दे हैव अ वेरी क्लोज एसोसिएशन विद फॉरेस्ट एंड नेचुरल रिसोर्सेस, बड़ा क्लोजली वो एसोसिएटेड रहते हैं। तो तमिलनाडु की कुछ ट्राइब्स हैं जिन्होंने नेचर के साथ ऐसा रिलेशनशिप बना रखा है कि पॉन्ड्स हैं, ऐसे पॉन्ड्स हैं जिनके अंदर कभी कुछ खराब चीज नहीं डाली जाती, बिकॉज दैट इज सेक्रेड, वहां से पानी ले जाके ऐसी कुछ वो बनाई जाती हैं, जगहें बनाई जाती हैं, जैसे ये ना जहां पे सफाई करके, इसी पानी से सफाई करके, डेली पूजा करके वहां पे दिया जलाया जाता है, और अलग 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 तरीके से इसकी स्थापना करी जाती है। यहाँ पे हिल्स को, पत्थरों को
जानवरों को, इन सबको भी डेटी माना जाता है, उन सबके अंदर भी ईश्वर का वास माना जाता है। तो जब आप किसी पत्थर पे, किसी जानवर में अगर भगवान का वास मानोगे तो उसे मारोगे क्या? उसको प्रोटेक्ट करोगे? सो नेचुरली ही ट्राइबल लोग कभी नेचर को खराब करते हैं क्या? वो बड़े नेचर के साथ मिलजुल के रहते हैं। ये तो हम लोगों को ज्यादा परेशानी है, वो नेचर के साथ बड़ा इंटीग्रेटेड तरीके से रहते हैं। तो ये पूरी कल्चर का पार्ट है। और ये सीक्रेट स्पेसेस क्या है? वो एरिया ऑफ स्पेसेस, यानी कि वो एरिया ऑफ फॉरेस्ट जहाँ पे बिल्कुल नेचर के साथ छेड़छाड़ नहीं करी जाती, क्योंकि वहां क्या माना जाता है, अरे यहाँ तो भगवान वास करते हैं, तो वहां पे वो कचरा फेंकेंगे? वहां पे जाके घर बना लेंगे क्या? नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा दूर बनाएंगे, गाँव में बनाएंगे और उस एरिया को एकदम प्रोटेक्टेड रखेंगे। तो वो जो सेक्रेट स्पेसेस हैं, सेक्रेट ग्रूव्स जिन्हें कहा जाता है, वो बड़े नेचुरल एरियाज हैं जहां से हमें ये पता चलता है कि नेचर कैसे है एग्जैक्टली, जहां पे कुछ छेड़छाड़ नहीं हुई है। तो ट्राइबल्स का वे ऑफ लाइफ किस तरीके से नेचर के साथ जुड़ा हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। फिर यहाँ से हमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, जब आप इसे पढ़ोगे ना तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये हिल, स्टोन, रॉक्स, ग्रूव, इन सबको वो करते हैं। फिर यहाँ पे आपको नाम दिखाई देंगे, यहाँ पे प्रीस्ट ने एक पॉन्ड का नाम बताया, गंगी थाई, इसका नाम क्या है? गंगी। ये सब क्यों पढ़ना है, नाम गंगी थाई है या कौन से ट्राइबल्स हैं? प्रीलिम्स, कभी कभी ऐसे टर्म्स यूज आ जाती है, मेंस के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मेंस के लिए अगर कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो वो क्या है? सेक्रेट ग्रूव्स। क्वेश्चन कैसे बनेगा मेंस में अगर बनेगा तो? Tribals have a very close association with nature, and this has been fit for the example of sacred groves. Explain. तो कहीं ना कहीं sacred grove आ गया, उसको explain करना है। Prelims में कैसे question बनेगा? Which of the following tribes are from Tamil Nadu? 1, 2, 3, 4. यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं और उन नामों को जब हम याद कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा। कुछ कॉनिकल स्ट्रक्चर्स के भी नाम है, इनको नाम इसके अंदर से मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे कहीं पे लिखे हुए हैं। टोडाज एंड कोटाज दिख रहे हैं, टोडाज एंड कोटाज, और भी तीन चार नाम है यहाँ पर, जब आप पढ़ोगे इस आर्टिकल को तो आपको वो नाम मिल जाएंगे। जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं वहां पे बहुत सारे नाम याद करने पड़ते हैं, बहुत सारे, कौन सी ट्राइब्स किस स्टेट की हैं, कौन सी ट्राइब्स कहाँ मिलेंगी। तो क्वेश्चन ऐसे आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फाउंड इन तमिलनाडु, 1, 2, 3, 4, उसमें तीन चार छत्तीसगढ़ की डाल देंगे तो लगेंगे एक जैसे, लेकिन अगर आपको याद होगा तो आप मार्क कर लोगे। या फिर ऐसा आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग, या फिर टोडाज आर फाउंड इन, नंबर वन छत्तीसगढ़, कश्मीर, तमिलनाडु एंड मणिपुर। अब टोडास कहाँ मिलते हैं तो पता होगा, तभी मार्क कर पाओगे। तो देयर इज अ लिटिल एलिमेंट ऑफ लर्निंग आल्सो। और इसी के साथ हमारा क्या होता है, ये न्यूज़पेपर खत्म, फिनिश। ठीक है, शुरुआत में लगेगा बहुत टाइम, लेकिन उस टाइम को यू कैन यूज ना, बिकॉज नॉलेज ऑफ एनीथिंग डजंट बिल्ड इन अ डे, एक दिन में नॉलेज, इट टेक्स टाइम, लेयर आफ्टर लेयर, स्लोली एंड स्टेडली यू विल हैव टू कीप लर्निंग, कीप नोइंग, एंड देन आफ्टर सम टाइम यू विल हैव दैट इनसाइट व्हेन यू विल सी द न्यूज़पेपर एंड नो कि अच्छा यही न्यूज होगी, इसमें ये हुआ होगा। उस तरीके से जैसे घर वालों को जान जाते हैं तो पता होता है ना कि वो ऐसा ही करेगा, तो हम उस तरीके से न्यूज़पेपर को जान जाएंगे। जस्ट अ ग्लिम्स, आज के न्यूज़पेपर का एक छोटा सा ग्लिम्स हम देखेंगे। वो ग्लिम्स किस लिए देखेंगे, ये दिखाने के लिए कि किस तरीके से रिपीटेड वो आते हैं। लग जाएगा, लगाओ। अच्छा, तब तक डाउट्स ले लेते हैं। एनी डाउट्स रिगार्डिंग न्यूज़पेपर? यस,
दिस इंस्टीट्यूशन इज ए पॉलिटिकल. हाँ इस पर्टिकुलर आर्टिकल पे क्वेश्चन नहीं आएगा. क्वेश्चन विल बी ऑन एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक एज अ होल, उस पे क्वेश्चन आएगा. या फिर इज इट अ क्वेश्चन ऑफ सॉवरेनिटी फॉर इंडिया, है ना. ऐसे एक आर्टिकल को लेके अगर क्वेश्चन बनाने लगेंगे तो यूपीएससी के आप सारे क्वेश्चन देखो, कोई एक पर्टिकुलर आर्टिकल से निकल के आता है क्या? टॉपिक पे आता है. आर्टिकल तो हम टॉपिक की नॉलेज लेने के लिए पढ़ते हैं, आर्टिकल से नोट्स नहीं बनाने. इसीलिए जो लोग न्यूज़पेपर से नोट्स बनाते हैं उनके नोट्स आखिरी में जब वो रिवाइज करते हैं तो कुछ नहीं समझ में आते किस चीज को कहाँ डालना है, क्योंकि वो टॉपिक से नहीं बनाते, वो सिर्फ उसको एक 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 करके नोट करते रहते हैं. आपने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक की आज नोट करी, 15 दिन बाद फिर कुछ हुआ तो फिर वो कहाँ नोट किया? अगले कॉपी में. फिर कहाँ नोट किया? अगले कॉपी में. स्टैटिक कहाँ पे है? चौथी कॉपी में. जब रिवाइज करोगे तो चारों को इकट्ठे कैसे रिवाइज करोगे? लिखना तो इकट्ठे. तो हम लोगों को कुछ नोट्स का ऐसा मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा कि हम जो भी लिख रहे हैं एक टॉपिक में एक ही जगह पे रहे, ताकि रिपीटेशन ना हो. सो दैट एवरीथिंग रिमेन्स एट वन प्लेस ओनली, दैट इज इट. सो द पीपल वट एवर दे आर सेइंग इज नॉट इम्पोर्टेंट. If they are saying that this institution is apolitical, fine, वो भी opinion है. और अगर Canada कह रहा है कि भाई नहीं ये तो एकदम Chinese infrastructure bank बन गया है, वो भी opinion है. दोनों opinions हैं. हम opinions से अपनी बातों को, अपने answers के facts को नहीं लेंगे. Anything else? सारे डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है. देखो इट कैन नॉट बी टोल्ड इन एनी सिंपल फॉर्मेट, बिकॉज इट विल डिपेंड ऑन व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन इट इज एंड व्हाट टाइप ऑफ टॉपिक इट इज. यू विल हैव टू डेवलप दैट इनसाइट. लाइक टॉपिकल एनालिसिस, जो हमारे टॉपिकल एनालिसिस है तो उसके अंदर तो हमने ऐसा किया है कि जैसे टॉपिक है उसके डेटा, उसके डायमेंशंस, उसकी स्कीम्स, उसकी सारी जो भी चीजें हैं वो एक साथ पुट अप कर रहे हैं हम लोग. लेकिन अब कौन सा डेटा कहाँ डालना है ये तो क्वेश्चन बताएगा. और न्यूज़पेपर से कितने डेटा लेने हैं उसमें से बहुत कम लेने होते हैं. डेटा बहुत सारे आएंगे न्यूज़पेपर में, बट नॉट ऑल डेटा आर इम्पॉर्टेंट. ओके क्विकली सी माइटीज मिजोरम, इज इट अ न्यू न्यूज? मिजोरम और ये मणिपुर बेसिकली वही वाला जो चल रहा है हमारा, मणिपुर वाला जो राइट्स चल रहे हैं वही है. तो एक बार पढ़ेंगे, इंडियन ड्रग अंडर लेंस इन श्रीलंका ओवर एडवर्स इफेक्ट. फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है हमारी, कुछ ड्रग्स ने जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वहां जाके एडवर्स इफेक्ट्स दिखा दिए, इससे हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है वो अफेक्ट होंगी, उनको नुकसान होगा और हम बहुत सारा एक्सपोर्ट करते हैं, गड़बड़. कौन सा न्यूज़पेपर फॉलो करें? एज अ बिगिनर, सो मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इजीली रीडेबल न्यूज़पेपर इज टाइम्स ऑफ इंडिया. एज अ बिगिनर यू कैन स्टार्ट विद दैट, देन इंडियन एक्सप्रेस. एनसीईआरटी तो पढ़नी पड़ेगी, 2 साल का, 2 साल जब तक बैकग्राउंड नहीं पता होगा आगे की न्यूज का सेंस नहीं बनता ना. 2 साल का करंट अफेयर्स कम से कम. ठीक है, वेस्ट बंगाल गवर्नर ओपन्स कंट्रोल रूम फॉर पोल्स. वेस्ट बंगाल कल भी पढ़ा था, आज भी उसका आ गया. ठीक है, ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री एंड लॉ फ्रॉडुलेंट. बेसिकली कोई एक बंदे ने कोई फ्रॉडुलेंट कागज दिखा दिया, क्या हम इसको पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे. तो बेसिकली यहां पे सिर्फ एक ही न्यूज है जो पढ़ने की है.
अब मुझे बताओ इस पेज में कौन सी न्यूज़ पढ़ने की है, कौन सी नहीं। पहली न्यूज़ पढ़ने की है क्या ये? नो। ये बस, बाकी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का क्या पढ़ेंगे इसमें? बस ये वर्ड्स अच्छे हैं, डिलेड एग्जीक्यूशन, टेंडर फॉलिंग, कंस्ट्रक्शन बैंस, एंड मतलब सिर्फ इंग्लिश के लिए पढ़ लो इसे, इसका कोई यूज नहीं है। पढ़ना है? क्यों पढ़ोगे? यूएस के किसी को ड्यूप कर दिया, बहुत सारे लोगों को बहुत सारा ड्यूप ड्यूप होता है, ठीक है। दिल्ली गवर्नमेंट एक्सप्लोर्स टाई अप विद कैम्ब्रिज, बस हेडिंग दिल्ली गवर्नमेंट का है ना, दिल्ली पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन तो दे नहीं रहे, है भी नहीं, है ना। कितने लोगों को लगता है पढ़ना है और कितने को लगता है नहीं पढ़ना है? कितने को लगता है पढ़ना है? वेरी गुड। एक टाइम पढ़ना है, इसमें से इश्यूज निकालने हैं। सेफ्टी ऑफ, अगर वुमेन को भी रात को काम करने के लिए सेफ्टी प्रोवाइड कराई जाए तो इकोनॉमी में बूस्ट मिलेगा, मिलेगा। देन हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू मेक रोड्स ट्रांसपोर्ट सेफ? गवर्नमेंट। एंड हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू मेक दी यू नो इंश्योर द सेफ्टी ऑफ वुमेन आफ्टर वर्क? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर की भी कोई जिम्मेदारी है कि वही करे। और अगर वुमेन सेफ नहीं है और 8 बजे के बाद उसका ऑफिस छूटता है और उसे घर जाना होता है, इफ द रोड्स आर नॉट सेफ विल द पेरेंट्स सेंड हर? विल शी गो? विल शी बी एबल टू वर्क? सिंपल। सो इंश्योरिंग सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां से हम काम की बात बस निकालेंगे, मुद्दा निकालेंगे, ठीक है। पढ़ेंगे कौन, किस किस को लगता है हम पढ़ेंगे? अरे तुम तो जल्दी सीख गए। पढ़ेंगे? सॉरी, पढ़ेंगे? अरे तो पढ़ लो। नहीं, तुम तो एकदम ही पॉलिटिक्स से बाहर आ जाओगे। केदारनाथ टेम्पल प्रीस्ट एलीट स्कैम इन गोल्ड प्लेटिंग, चर्चा करने के लिए पढ़ोगे, चाय पे चर्चा के लिए, ठीक है। काम का है क्या? ओके पढ़ना है, पढ़ना है। बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट, तो हेडिंग पता होना चाहिए कि क्या और हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली उड़ीसा वाला तो एक बार आपको टॉपिकल एनालिसिस में पढ़ना ही पड़ेगा। ओके पढ़ोगे? नो भाई, कांग्रेस ने उज्जैन के अपने कांग्रेस के किसी प्रेसिडेंट को अगर निकाल दिया, रख लिया, हमें क्या मतलब? पढ़ना नहीं है ना। कितना सा तो है न्यूज़पेपर, फिर तुम इतना रोते रहते हो, पता नहीं क्या लग गए, कितना घंटे लग रहे, कितना घंटे लग गए। अब ये जब भी है ना, एक्स्ट्रा राइस, रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ, एजुकेशन, वुमेन, वल्नरेबल सेक्शंस, इनकी बात हो तो एक बार नजर मार लेनी है कि क्या स्कीम चल रही है, क्या है, क्या बात है। तो एक बार जल्दी से स्कीम मतलब जल्दी से नजर घुमाएंगे, लेकिन मुझे पता है काम का इसमें ज्यादा कुछ निकलेगा नहीं। और इसी तरह से नजर मारेंगे कि बहुत तेजी से, वी डोंट हैव टू डिवोट अ लॉट ऑफ टाइम। देन पावर स्ट्रगल रीसर्फेसेस इन कर्नाटका, पढ़ना है? कौन सी बस कहाँ टकरा गई पोल से? वो तो जब इतना जब नजर घुमाओगे उतना तो दिमाग में जाएगा ही जाएगा कि रोड एक्सीडेंट हो रहा है कि ट्रेन एक्सीडेंट हो रहा है, तो जाएगा ही जाएगा। जब रिजेक्ट करने के लिए पहले ये तो पढ़ना ही पड़ेगा ना कि पावर स्ट्रगल रिसर्फेसेस इन कर्नाटका कांग्रेस, तो ये तो पता चल ही जाएगा कि कर्नाटका में कुछ तो कांग्रेस वांग्रेस के बीच में स्ट्रगल चल रही है, इतना तो आपको पता चल ही जाएगा, है ना। पढ़ना है?
किसने क्रेडिट ले लिया डेवलपमेंट वर्क का, किसने नहीं लिया, किसके बीच में कौन सी, तूने बनवाया मैंने बनवाया, नॉट इम्पोर्टेंट. ओवर 50 पेशेंट्स डाई एट बलिया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इन 3 डेज. क्यों? ये पता होना चाहिए कि क्यों. कोई इन्फेक्शन आ गया, किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी से हुआ, किस कारण से हुआ, बस पता करेंगे और बस डीप में नहीं जाएंगे. ठीक है, कहानी समझ में आ रही है कि किस तरीके से वी कैन रिजेक्ट एंड प्लेस आर न्यूज. अब इसी तरीके से जैसे अब ये है, इन केरला फंकी फ्यूनरल्स हाई ऑन ब्लिंग एंड स्टाइल. मतलब वहां पे फ्यूनरल्स होते हैं तो उसके लिए आजकल एजेंसीज हायर कर लेती हैं, जैसे किसी की डेथ हुई तो वो एजेंसी हायर कर देते हैं, वो सारा आके संभाल लेते हैं. लोगों के पास टाइम ही नहीं है ये सब प्रिपरेशन करने का, तो वो आके पूरा फ्यूनरल संभाल लेते हैं. और वो आजकल फ्यूनरल कैसे होते जा रहे हैं, मोर एंड मोर एक्सपेंसिव, यू नो, ब्लिंगी एंड स्टाइलिश. अब इससे क्या पता चलता है, अ काइंड ऑफ अर्बन कल्चर. ओके, पहले कैसे होता था, पहले पूरा का पूरा गांव इकट्ठे होकर करता था. देयर वॉज अ सोसाइटल कल्चर दैट वॉज देयर, विलेज कल्चर. लेकिन अब एजेंसी हायर करनी पड़ रही है फ्यूनरल के लिए भी, तो फर्स्टली न्यूक्लियर फैमिली कल्चर, न्यूक्लियर फैमिलीज, कोई है ही नहीं साथ देने के लिए. दूसरा शो ऑफ, है ना, इवन इन थिंग्स लाइक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का थोड़ा थोड़ा समझ वहां पे से रिलेट होगा. ओके, पुशेस फॉर इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप. स्टार्टअप क्या है, क्या हो रहा है, पता होना चाहिए क्या हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम एग्जाम्पल में यूज कर सकते हैं. बीजेपी आरएसएस फ्यूलिंग राइट्स गोविंदन, नहीं पढ़ेंगे, काम क्या नहीं है, एक बार नजर मारना चाहो तो देख लेना. विनेबिलिटी इज द की. विनेबिलिटी क्या होती है, कैसे यूज करी जाती है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, इतना पता होना चाहिए, बाकी किसी काम का नहीं है. कैन यू सी दैट, बहुत सारी न्यूज तो कट ही जा रही है ना, उसकी तो जरूरत ही नहीं है. अब ये डेंगू वाला है तो उसको थोड़ा सा देख लेंगे कि क्या है, डेंगू किससे होता है, कौन से मच्छर से होता है, कहाँ होता है, कैसे ट्रीट होता है, कैसे इसका ध्यान रख सकते हैं. तो ऐसे कर करके, इस पेपर को तो पढ़ेंगे नहीं, ऐसे नॉलेज के. अब आ गए एडिटोरियल्स. एडिटोरियल्स अगेन, देखो एडिटोरियल्स के लिए एक सेपरेट क्लास करेंगे, क्योंकि एडिटोरियल्स में से काम की बात कैसे निकालनी है ये एक आर्ट है. हर एडिटोरियल इंपॉर्टेंट होता भी नहीं है, तो इसको बिना पढ़े काम चलेगा नहीं, है ना. मैं आपको इसमें से इंफॉर्मेशन बता दूं, उस तरीके से काम चलेगा नहीं. तो अगली बार जब भी हम लोग एडिटोरियल्स वाला करेंगे तो हम क्या करेंगे, आप लोग एडिटोरियल्स पढ़ के आना, हम लोग फिर डिस्कस करेंगे कि कौन सी इंफॉर्मेशन एक्चुअली में इंपॉर्टेंट थी और कहाँ यूटिलाइज हो सकती थी. क्योंकि इसको पढ़े बिना अगर आप आओगे तो बात समझ नहीं आएगी कि एडिटोरियल्स में से काम की बात कैसे निकालनी है. ठीक है, डन. चलो, विल मीट नेक्स्ट टाइम, है ना. कल आप लोगों की कौन सी क्लास है, कौन सी वेबसाइट, डिपेंड्स डिपेंड्स. अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो तो एक दो बार जाके देख लो कुछ नया मिल रहा है क्या, और नहीं मिल रहा तो क्या जरूरत है. ठीक है, ठीक है ना. ओके, बाय बाय, बेस्ट विशेस. अभी पूछ के बता. ओके.